So a very good morning everyone to the offline participants as well as who is present online with us. So let me just introduce myself. My name is Dr. Manisha Malik and I'm here a senior visualizer in this Department of Media Engineering. Before joining the department, I have done my doctorate in computer science as well as my master's and bachelor's in the same area. So in today's session, the session for today will be in both the languages. It will be bilingual so that it is easier for people who, you know, sometimes kuch baatein hame Hindi mein kehne pe zyada achhe tarike se samajh mein aati hain. So in any case, jab bhi aapko beech mein lage ki we are not catching up, for those who only understand English, they can just let me know. Yeah, so today's session will be about safe online or mobile banking. So throughout this 5 days, you have been observing that ki hume kya karna chahiye, kaise, matlab, you know, how do you ensure that passwords kaise rakhne chahiye, 1, 2, 3, 4, 5 nahi rakhna, scams kaise kaise hote hain. So more or less, ye wala ek summary kind of, but more towards मनी मॉनेटरी बेसिस पे होगा, फॉलोड बाय उसके बाद मैं आपको दो टूल्स बताऊंगी कि कैसे आप अपने यूएसबी डिवाइसेस पे राइट प्रोटेक्शन लगा सकते हो. एक ये बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस एज फैकल्टी मेंबर्स, बिकॉज यू आर ऑल फैकल्टी मेंबर्स, कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन पेपर है या कोई इंपॉर्टेंट नोटिस है, कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है जो हमारी पेन ड्राइव में है और हम ये नहीं चाहते कि हमारे सिस्टम से हम उस पहले तो उस पेन ड्राइव को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्लस वी वॉन्ट कि हमारे सिस्टम से कोई भी डेटा पेन ड्राइव के अंदर ना जाए. सो दैट इज राइट प्रोटेक्शन. सेकेंड इज हाउ डू यू इनक्रिप्ट योर डेटा. तो आपने थ्रू आउट दीज 5 डेज टू द ऑफलाइन पार्टिसिपेंट्स एक वर्ड सुना होगा काफी लोगों से, एनक्रिप्शन वर्ड. ठीक है, सो जो तो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, जिनको इसके बारे में नहीं पता, जिनको पता, ऑफ कोर्स एनक्रिप्शन इज अगेंस्ट स्टोरिंग योर डेटा इन अ डिफरेंट फॉर्मेट व्हिच इज नॉट रीडेबल. ठीक है, एक ये तरीका होता है, बट जिनको नहीं पता एनक्रिप्शन क्या होती है, एनक्रिप्शन इज बेसिकली स्टोरिंग योर वैल्यूएबल्स विद द लॉक एंड अ की. ठीक है, कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में उसको आप एक एल्गोरिथम के थ्रू इंप्लीमेंट करते हो. राइट, हु आर फ्रॉम, यू नो, द पीपल आर हियर फ्रॉम फार्मास्यूटिकल्स एज वेल एज फ्रॉम आर्किटेक्चर बैकग्राउंड एज वेल. सो इट इज जस्ट लाइक सेविंग योर डेटा, जैसे आप अपने फोन पे भी लॉक लगाते हो, है ना. सो दैट इज उस केस में जो फोन का अनलॉक करना होता है, तो जो आपका फिंगरप्रिंट है या जो आपका, यू नो, व्हाट डू वी कॉल इट, पिन कोड है, दैट इज द पासवर्ड, दैट इज द की टू द लॉक्ड मोबाइल फोन. राइट, सो वो उसमें मैं आपको एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बताऊंगी जिससे कि आप इस तरीके से ड्राइव्स को क्रिएट कर सकते हो, सो दैट यू कैन एक्चुअली सेव योर डेटा इन एन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट. राइट, तो पहले तो हम ऑनलाइन बैंकिंग और सेफ मोबाइल बैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं. डिजिटल बैंकिंग की जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से क्लासिफाइड है, एज वी ऑल नो. वन इज द इंटरनेट बैंकिंग, अदर इज द मोबाइल बैंकिंग. ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग हम अपने सिस्टम के थ्रू करते हैं, ब्राउजर पे जाके, वेयर इन वी टाइप इन द एड्रेस. एड्रेस के बारे में भी ये बात डिस्कस हो चुकी है कि एड्रेस को बहुत ध्यान से देखना है हमने हमेशा, कि एड्रेस में लिखा क्या हुआ है. ठीक है, एक लॉक वाले आइकन के ऊपर हमने बहुत फोकस करना है कि वो उसके ऊपर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंटेड है कि नहीं है. मोबाइल बैंकिंग में जब हम बात करते हैं तो दो तरीके की जो मोबाइल बैंकिंग है वो बहुत ज्यादा अभी यू नो ट्रेंडिंग में है. वन इज द यूपीआई व्हिच इज द यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एंड अदर इज द बैंकिंग एप्स. तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हम लोग बहुत सब लोग यूज कर रहे हैं, क्यूआर कोड्स वगैरह स्कैन कर रहे हैं. एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है और जिससे कि हम पीयर टू पीयर यानी वन टू वन भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. एंड इफ यू आर पेइंग इट एज एट अ मर्चेंट वेबसाइट पे या मर्चेंट स्टोर पे जाके अगर आप पेमेंट कर रहे हो, दैट यू ऑल्सो कैन डू. इसके बारे में सबको पता है बिकॉज सब यूज कर रहे हैं. ठीक है, होता क्या, यूपीआई के अंदर जो आपका बैंक अकाउंट होता है और आपका जो मोबाइल नंबर होता है उसको मिला के एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बनाया जाता है. जो लास्ट पॉइंट है इस स्लाइड पे, इट शोज द मेन एडवांटेज क्या है यूपीआई का, कि आपको हर बारी अपना अपना यू नो द अकाउंट नंबर, अकाउंट डिटेल्स नहीं देनी पड़ती किसी को. आपके अकाउंट नंबर आपके फोन नंबर के साथ, वो ही फोन नंबर जो आपके अकाउंट नंबर के साथ लिंक्ड है. ऑफ कोर्स इस सर्विस को यूज करने के लिए आपके पास एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए, आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए, उन दोनों को मिला के एक आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बन जाता है. ठीक है, इट इज बेसिकली एडिंग अ लेयर ऑफ सिक्योरिटी. जिस तरीके से हम गिफ्ट को रैप करते हैं एक के ऊपर एक, अगर हम मल्टीपल रैप्स लगाते जाएंगे तो जो एक्चुअल कॉन्टेंट है हमारे गिफ्ट के अंदर वो हमारा हिडन हो जाएगा. तो ये एक यूपीआई जो है, इससे हम अपने अकाउंट डिटेल्स को एक तरीके से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू अ वर्चुअल पेमेंट एड्रेस. आपने देखा भी होगा @ मतलब योर नेम के बाद @sbi.something, है ना. ये यूजुअली लोगों को पता है कि अब कि मोबाइल नंबर से ही आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो, विच इज नॉट रिलेटेड टू योर अकाउंट नंबर एट ऑल. सो दैट इज कॉल्ड योर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस. इफ वी टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स, दो द स्टैटिस्टिक्स आर अ बिट ओल्ड, बट 2022 में ही इतनी सारी ट्रांजेक्शन हमारी यूपीआई को लेके हो गई थी. और इंडियन यूपीआई सिस्टम इन द वर्ल्ड इज लाइक द करंटली कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट, कि आप किसी भी यूपीआई से किसी भी यूपीआई प्लेटफॉर्म पे आप जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हो. और बहुत सारी ट्रांजेक्शन जो है थ्रू आउट दी ईयर्स एज वी आर गोइंग इन टू 2024 नाउ, बहुत सारी पेमेंट्स जो है वो डिजिटली आ चुकी है.
नाउ द क्वेश्चन इज की प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये तो पता है कि पैसे जा रहे हैं, राइट, ठीक है कि हमने इस तरीके से कर दिया, लेकिन उसके अंदर जो फ्लॉज हैं, वो जो ह्यूमन ही है बीच में, उसको वो फ्रॉडस्टर जो है उस फ्लॉज को यूज करके आपके मनी के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं. नाउ द थिंग इज कि इसके अंदर दो ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होती हैं, एक तो बैंक, एक यू द कस्टमर, ठीक है. बीच में दो तीन पार्टीज और इन्वॉल्व होती हैं. आई विल जस्ट गो टू गूगल वंस. एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज कॉल्ड द एनपीसीआई. किसी ने सुना है इसका नाम? एनपीसीआई, विच इज द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. आई विल स्टॉप प्रेजेंटिंग एंड शेयर माई एंटायर स्क्रीन सो दैट ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स भी देख सकते हैं. सो द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जितनी भी आपकी डिजिटल पेमेंट्स है, अगर आप इनकी वेबसाइट्स पे जाते हैं ना, npci.org.in, यहाँ पे अगर आप देखते हो व्हाट वी डू में, अगर आप देख पाए तो ये जितनी भी सारी सर्विसेज हैं यूपीआई से रिलेटेड, वो सारी एनपीसीआई पे लिस्टेड है. यूपीआई नॉर्मल जो हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, रूपे है, भीम ऐप है, IMPS है, NEFT है. अब ये जो *99# है ना, ये उन लोगों के लिए, उन कस्टमर्स के लिए जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, है ना, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास कैमरा नहीं है फोन में, लेकिन फिर भी उनको डिजिटल ट्रांसफर करनी है, डिजिटल पेमेंट्स करनी है, तो उनके लिए ये वाली सर्विस भी गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी इन 2012, विच इज अ USSD बेस्ड मोबाइल बैंकिंग सर्विस, जिसमें आप *99# दबाने के बाद, उसके बाद कुछ स्टेप्स को फॉलो करके, यू कैन जस्ट ट्रांसफर द मनी फ्रॉम इधर, इट कुड बी पीयर टू पीयर एज वेल एज इट कुड बी फ्रॉम पीयर टू मर्चेंट. सो बेसिकली एनपीसीआई जो रेगुलेटरी बॉडी है, इट इज टेकिंग इन टू कंसिडरेशन ऑल योर ट्रांसफर्स, दैट इज एक कस्टमर टू कस्टमर या कस्टमर टू मर्चेंट पे भी अगर हम जाते हैं, तो वो भी वो उसको केटर टू कर रहा है, ठीक है. मतलब बीच में कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, लेकिन उसके बाद भी देयर आर सम काइंड ऑफ स्कैम्स व्हिच आर गोइंग ऑन. तो फर्स्ट इज द फेक फिशिंग स्कैम. फिशिंग के बारे में अब सबको पता है, तो पहले तो मैं ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को पूछूंगी, मुझे बताओ कि फिशिंग स्कैम क्या होती है. फिशिंग और विशिंग दोनों के बारे में डिस्कस हो चुका है थ्रू आउट द 5 days. क्या होता है फिशिंग में? I'll then go to my offline participants. पहले मैं ऑनलाइन से पूछूंगी. कोई कोई है प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल? प्रतिभा मैम, प्रजापति, ओके. फिशिंग थ्रू ईमेल्स. क्या फिशिंग सिर्फ ईमेल्स के थ्रू होती है रिया चौधरी मैम? मैम अदर मींस आर आल्सो देयर, SMS आल्सो, ओके, एंड विशिंग इज थ्रू फोन कॉल्स, एंड दिस वाज द मेन डिफरेंस. वेबसाइट को भी कर सकते हैं मैम थ्रू व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट, फिशिंग और विशिंग? फिशिंग फिशिंग मैम, विशिंग तो वॉइस के साथ है ना, तो ओके ओके, हाँ जी हाँ जी, तो यस मैम, थ्रू दैट आल्सो आई, यस करेक्ट करेक्ट. तो यूपीआई के अंदर भी बेसिकली क्या फ्रॉड्स चल रहे हैं, फिशिंग स्कैम को लेके, जो फेक पेमेंट लिंक आपको दिया जाता है फ्रॉडस्टर्स के बाद, फ्रॉडस्टर्स जो देते हैं, उसके अंदर एक फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वॉल्व होता है. तो इसके अंदर जो अभी लेटेस्ट फिशिंग स्कैम्स आ रहे हैं, वो मेन तो ये वेबसाइट वाला तो मैंने आपको बता दिया कि एक फिश्ड वेबसाइट बनाना आज के टाइम में बहुत आसान है. आप जस्ट गूगल पे जाओ और एक फिश्ड वेबसाइट बनाने का, चाहे वो गूगल का वेरिफिकेशन कोड वेबसाइट हो, चाहे वो स्टारबक्स की वेबसाइट हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट की कोई आपको फेक वेबसाइट बनानी हो, उसके टेम्पलेट्स आराम से अवेलेबल है. तो वेबसाइट के बारे में बात हो चुकी है, इस पे नहीं जाएंगे, ये एक क्विक ओवरव्यू के लिए था. paypal-accounts.com, this is also not a secure, but जो इसका इंटरफेस है, it is very much similar to the original one, right? जैसे ये Amazon में NN है, this is again a phished website, ठीक है, ये भी नहीं करना है. कहां से आपको ईमेल आया है, उस ईमेल एड्रेस को बहुत ध्यान से देखना है कि कहां से ईमेल आया है. अगर आप उसको ध्यान से देखो, दो itis@outlook.com, बट उस एड्रेस को पूरा आपने ध्यान से देखना है कि कहां से आया. माइक्रोसॉफ्ट टीम लिखा हुआ है उसके नेम में, बट व्हाट इज द ईमेल एड्रेस? नो रिप्लाई @outlook.com. सो दिस इज नॉट एन ऑफिशियल ईमेल. तो ईमेल्स भी फिश्ड हो सकती है, वेबसाइट भी फिश्ड हो सकती है. अब बात करते हैं हमारे इस ऑनलाइन पेमेंट्स के अंदर, यूपीआई पेमेंट्स के अंदर. सो रिसेंटली, क्योंकि ज्यादातर यूपीआई पेमेंट्स हमारी क्यूआर कोड के साथ हो रही है, तो इसलिए मैं आपको क्यूआर कोड के साथ इसके अंदर बताऊंगी. किसी के साथ अभी लेटेस्ट कैब को बुक करते हुए एक्स्ट्रा पेमेंट का कोई, किसी के साथ कोई फ्रॉड हुआ है ऐसा? एनीवन फ्रॉम द ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ हुआ है ऐसा आपके साथ? अच्छा, पहले मुझे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स ये बताएंगे कि सपोज अभी मुझे आपसे मनी रिसीव करनी है, ठीक है, तो क्या मुझे QR कोड स्कैन करना पड़ेगा? इफ आई वॉन्ट टू रिसीव मनी फ्रॉम द ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, डू आई नीड टू स्कैन अ QR कोड? नो ना. नो, व्हाई? कब करना होता है मैम QR कोड स्कैन? फिर ट्रांसफरिंग के टाइम, जब आपने सेंड करना है. करेक्ट. तो पहले तो ये अपने प्लीज दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी आपने पैसे रिसीव करने हैं, आपको QR कोड स्कैन नहीं करना है,
ठीक है, जब आपने भेजने हैं पैसे, व्हेन यू वांट टू सेंड मनी टू समवन, देन ओनली स्कैनिंग दैट क्यूआर कोड इज रिक्वायर्ड. सो आई वांट टू शेयर अ इंटरेस्टिंग केस हियर. ये मेरी फ्रेंड के साथ भी हुआ है. सो शी वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी. तो यूजुअली जो उसका फेयर लगता है उबर का, उससे थोड़ा ज्यादा लगा. ये अभी रिसेंटली आ भी रहा है न्यूज के अंदर. तो जो कैब ड्राइवर्स हैं, उबर हो या ओला हो, आई एम नॉट स्पेसिफिकली टेलिंग की कोई एक प्लेटफॉर्म ही ऐसे कर रहा है. इट इज अप टू द ड्राइवर्स. वो क्या करते हैं, वो स्क्रीनशॉट्स रखते हैं पुराने, ठीक है, उन वो वाले स्क्रीनशॉट जिसमें पेमेंट ज्यादा होती है. तो यूजुअली इफ योर फेयर इज अबाउट 1000 या 1600 रुपीज, दिस टाइम व्हेन शी वाज ट्रैवलिंग इट वाज अबाउट 2200 2300 रुपीज. तो उसके पास तो उबर में 1600 ही आ रहा था जितना वो यूजुअली पे करती है, बट वो ड्राइवर के पास उसने जो स्क्रीनशॉट दिखाया इट वाज अबाउट 2200 रुपीज. सो सिंस शी वाज इन अ रश और टाइम भी कुछ ऐसा था, तो शी डिड नॉट, उसने कोई फर्दर उस चीज में एक्शन नहीं लिया. बट बाद में पता चला because the driver shared the screenshot, तो उसने बहुत ध्यान से स्क्रीनशॉट को देखा. उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उबर के दो आइकन्स थे उस स्क्रीनशॉट में, ठीक है. दूसरा ये था कि जो ड्राइवर का नाम था वो भी डिफरेंट था. तो उसने जो अपने वाले ड्राइवर से मैच किया और जो स्क्रीनशॉट के अंदर ड्राइवर का नाम था, दोस वर डिफरेंट नेम्स. तो आजकल ये बहुत ज्यादा, चाहे वो आपका ओला हो, ओबर हो, या जो भी आपको ऑटो ऑटो की जो सर्विसेज हैं या बाइक सर्विसेज है, वट एवर आर द सर्विसेज गोइंग ऑन, द ड्राइवर्स क्या करते हैं, आपको फेक फेक दिखा देते हैं स्क्रीनशॉट, एंड देन यू आर बाउंड टू पे. बट मेक श्योर कि जो आपके, एंड इनफैक्ट जब उसने उबर में भी कॉन्टेक्ट किया तो उबर वाले कहते ही ओनली ट्रांसफर्ड अस 1600, मतलब उसने हमें एक्चुअली में कंपनी में 1600 ही दिखाया है, हमारे पास बिल 1600 का ही है आपका, बट द रेस्ट ऑफ द मनी ही kept it to himself. So please make sure QR code, because usually हम payments जो है Uber वगैरह की QR code से ही करते हैं और वो हमें screenshot दिखाते हैं. तो screenshot पे बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है कि screenshot जो है आप किसको pay कर रहे हो और कितना pay कर रहे हो और क्या वो screenshot valid है कि नहीं है, ठीक है. QR code के बारे में नहीं बता रही, because QR code टेक्निकल टर्म्स में क्विक रिस्पॉन्स कोड है. ये क्यू आर कोड आपको एक वेबसाइट पे भी लेके जा सकता है, किसी एक फाइल के पास भी लेके जा सकता है, ये पेमेंट का लिंक भी हो सकता है, राइट. सो दीज क्यू आर कोड कैन बी फिश्ड, दे कैन हैव सर्टन मालवेयर, दे कैन हैव लीड टू फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स. नॉर्मल पेमेंट करते हुए आप किसी भी, इसको ध्यान रखो कि आप जिस भी क्यू आर कोड को स्कैन कर रहे हो वो लेजिट है, ठीक है. यूजुअली हम ध्यान नहीं देते, अगर आप इतना, मतलब इतना नहीं कर सकते तो ये कर सकते हो कि जो आपका मेन अकाउंट है, जो आपका सैलरी अकाउंट है, उसको अपने यूपीआई अकाउंट के साथ ना लिंक करें, रादर देन जो जिसमें आप कुछ महीने के 10,000 15,000 जिसमें आप रख सकते हो, उसको आप अपने यूपीआई अकाउंट के साथ लिंक करें. सो दैट इज बीइंग अ प्रोएक्टिव अप्रोच. हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो भी आपके सेफ ही होंगे, बट गलती, रीजन बीइंग मैंने आपको एनपीसीआई के बारे में इसलिए बताया था, रीजन इज कि गवर्नमेंट या पेटीएम या गूगल पे जब भी आपके साथ कोई फ्रॉड होगा, they will back off, to be very honest, because वो ये कहते हैं कि हमारा जो platform है, जो हमारी transactions हैं, they are all secured. वो banks भी हैं, जब आपके साथ bank में भी कोई fraud होएगा, उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि if the bank is not listening to you, तो आप किसके पास जा सकते हो. There is a banking banking का भी एक लोकपाल है, उसको क्या कहते हैं, उसमें जाके कैसे आपको करना है. बट मैं ये बोल रही हूँ कि वो जो प्लेटफॉर्म्स है, दे ऑल क्लेम दैट आर ट्रांजेक्शन आर कम्प्लीटली सिक्योर. सो दैट इज वाई इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन निकल रही है, प्लीज रिमेम्बर दैट वो आपसे ही निकल रही है, ठीक है. डोंट एज्यूम दैट कि मेरा फोन, मतलब ऑफकोर्स फोन हैक होगा जब आपने कोई तरीका उसके अंदर छोड़ा होगा, या किसी को कोई इंफॉर्मेशन आपने अपनी इन डिटेल दी होगी, आपसे ही वो इंफॉर्मेशन जा रही है. इट इज नॉट थ्रू कि वो जो पेटीएम है या गूगल पे है, वो आपकी इंफॉर्मेशन कहीं बाहर दे रहे हैं, ठीक है. तो वॉट आर द स्कैम्स विच आर पॉसिबल विद क्यू आर कोड, जैसे मैंने अभी आपसे बात की, जो सेकंड केस है बाइंग एंड सेलिंग, मेक श्योर यू आर ओनली स्कैनिंग द क्यू आर व्हेन यू आर सेंडिंग द मनी एंड नॉट रिसीविंग द मनी. और इसके अंदर बहुत सारे केसेस आप लोगों के साथ डिस्कस हो चुके हैं, श्वेता मैम ने भी डिस्कस किया था उसके इस स्कैम के अंदर कि मतलब कि पहले वो बोलते हैं कि आई हैव सेंट यू सम एक्स्ट्रा मनी. आई थिंक कोई केस डिस्कस हुआ था कि उनको किसी ने कहा कि मैंने आपको ज्यादा पैसे भेज दिए हैं, तो जो वो मैसेज भी भेजते हैं वो भी एक फिश्ड, वो भी एक स्पैम मैसेज होता है कि एक्चुअली दिस मच अमाउंट इज क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट. और आज के टाइम में किसी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम जाना, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. जस्ट अ बिट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग या जस्ट अ बिट ऑफ कॉमन सेंस ही अगर आप गूगल करके देखेंगे तो इट इज वेरी इजी, राइट. और कहीं पे भी ऐसे ही कोई अनऑथेंटिकेटेड बिजनेस है तो वहां पे भी क्यूआर कोड को स्कैन करने में जस्ट मेक श्योर जो स्कैन करके जो नाम आ रहा है एक बार आप उससे पूछ लें. यूजुअली लोग नहीं पूछते हैं, बट ये भी आप पूछ लें कि ओके इज दिस द नेम विद विच यू हैव रजिस्टर्ड द क्यूआर कोड. सो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट. सेकेंडली
सेकेंडली इज कि हाँ, जो ये पेटीएम बॉक्सेस, साउंड बॉक्सेस आपने सुने होंगे कि पेटीएम यू नो दिस मच अमाउंट ऑफ इज रिसीव्ड ऑन पेटीएम, तो ये बेसिकली उसके बाद ही आए थे. सपोज आई गो टू अ शॉप और मैं कह दूँ कि मैंने पेमेंट कर दी और मैं उनको एक फेक स्क्रीनशॉट दिखा दूँ. ये स्क्रीनशॉट बनाने के भी जो एप्स हैं दैट आर फ्रीली अवेलेबल ऑन गूगल, मैं आपके साथ वो एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी कि जिसमें मैंने मर्चेंट को बोला आई हैव ऑलरेडी पेड दिस मच ऑफ अमाउंट, एंड सिंस उसके पास भी ऑफकोर्स इतने सारे कस्टमर्स हैं, वो भी बिजी था, उसने भी चेक नहीं किया, तो उससे भी बहुत सारे स्कैम्स हो रहे थे. इसीलिए आप ज्यादातर देखेंगे सबने अब साउंड बॉक्सेस लगा लिए हैं कि दिस मच अमाउंट ऑफ पेमेंट इज क्रेडिटेड, कि अगर इतनी देर में मैसेज ना आए क्रेडिट होने का तो साउंड बॉक्सेस को आप यूज कर सकते हो. राइट, डू नॉट स्कैन अ क्यूआर कोड, यू डू नॉट ट्रस्ट, ये सब बेसिक बातें बहुत सारी डिस्कस हो चुकी है, दैट विल नॉट गो. मलेशियस एप्स का ध्यान रखना है. एक रिसेंट इसमें मैं केस स्टडी जो अगेन इट इज विद समबडी हु वाज मतलब इन इन पर्सनल सर्कल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गूगल पे किया, उन्होंने एक होटल बुक करना था, ठीक है, वो गूगल पे गए, उन्होंने उस होटल का नाम लिखा और यूजुअली क्या होता है, होटल का जो फर्स्ट लिंक है उसमें कॉल, वेबसाइट, रिव्यूज, फोटोज, इस तरीके से हमारे पास आ रहा होता है गूगल पे जब हम सर्च करते हैं. तो यूजुअली वी थिंक कि ठीक है कॉल करेंगे, इतनी बड़ी होटल की चेन है तो वील डायरेक्टली गो टू दी एग्जैक्ट ऑफिशियल पर्सन. वहां क्या हुआ, उनकी ऑलमोस्ट होटल बुकिंग होने वाली थी, वो उस बंदे के साथ कम्युनिकेशन में थे जो कॉल पे उन्होंने नंबर दिया हुआ था होटल वालों ने, एंड ही इवन सेंट कि ओके दिस इज द क्यूआर कोड, दिस इज द बैंक डिटेल्स, यहाँ पे आप बुकिंग होटल बुकिंग की जो अमाउंट है वो आप यहाँ पे भेज दीजिए. समहाउ वहां पे उसने क्या गलती की, फ्रॉडस्टर में वो बता रही हूँ, उसने थोड़ी जल्दी दिखाई, मे बी द बुकिंग कन्फर्मेशन फॉर वर्स नेक्स्ट वीक या आई थिंक 15 डेज की थी, वो बहुत जल्दी दिखा रहा था. तो ये एक एक आपके दिमाग में हमेशा रहे कि सामने वाला जब आपको बहुत जल्दी जल्दबाजी कर रहा है कि आप भेज दीजिए, आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सो मेक श्योर फ्रॉडस्टर्स के अंदर एक तो ये बात करने की बहुत दे आर ऑलवेज इन अ रश. सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज होल्ड होल्ड योर ब्रेथ, एक बार सोच लो कि क्या करने जा रहे हो, ठीक है. देन एक्चुअली वॉट दैट पर्सन डिड वॉज, वो उस होटल की www. उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां गए, वहां कॉन्टेक्ट अस में जाके बात की, वहां पे जो बात की और पूछा कि दिस दिस नंबर इज दिस रजिस्टर्ड विद योर, वो कहते नहीं ये फ्रॉड है, आप इनको पेमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है. सो दिस इज वन, दीज आर टू केसेस जो ये तो बिल्कुल रियल केसेस हैं जो मतलब कह सकते हैं कि विद इन माई फैमिली होके हटे हैं. सो मेक श्योर दैट कि जब वो जल्दबाजी दिखा रहे हैं आप एक मिनट रुक जाइए, वी आर ऑल एजुकेटेड पीपल एंड यू ऑल्सो नो कि आप भी मतलब कि किसी के पैसे अगर आपको देने हैं तो जस्ट थिंक इट इज योर हार्ड अर्न मनी, तो उसके बारे में आप पहले थोड़ा सा सोच लीजिए कि आपको किस तरीके से पेमेंट करनी है और किसको आप पेमेंट कर रहे हो. राइट, डिसेप्टिव यूपीआई हैंडल्स आर ऑल्सो देयर, ठीक है. फॉल्स पेजेस और स्क्रीनशॉट्स के बारे में मैंने बात कर ली. फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इंस्टॉल करना है तो इफ इट इज योर एंड्रॉयड फोन तो प्ले स्टोर से ही करना है, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट से करना है. तो ये देखिए, ये इस तरीके से जो स्पूफ यूपीआई ऐप, फेक पेमेंट रिसीव जनरेटर एप्स हैं, बहुत सारी अवेलेबल हैं. इनफैक्ट ये जो प्रैंक वाला जो स्क्रीनशॉट है उसके ऊपर आप देख रहे हैं पेटीएम का, अमेजोन पे का, जीपे का, फोन पे का, जिसका भी आप स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हो वो आपको वो निकाल के दे देगा, ठीक है. और ये दीज आर ऑल जनरेटर एप्स जो फ्रीली अवेलेबल हैं. तो इसके लिए क्या आया, पेटीएम साउंड बॉक्सेस आया, उसके बारे में मैंने आपसे बात कर ली. डायरेक्ट एपीके फाइल कहीं से डाउनलोड नहीं करनी है. अभी मैं आपसे कहूँ कि आपके साथ शायद शेयर भी की होंगी इस टाइम पे, मैं आपको एक क्यूआर कोड दूं और कहूँ कि ये पीपीटी जो है आप ये डाउनलोड कर लीजिए, फिर आपका फोन आपसे एक बार तो पूछेगा ना, आर यू श्योर, डू यू ट्रस्ट दिस सोर्स, तो मेक श्योर एक बार दिमाग खोल के आप देख ले कि आप किस चीज को डाउनलोड कर रहे हो. बैक एंड पे कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स तो नहीं डाउनलोड हो रही है, ठीक है. ऑफ कोर्स वी विल नॉट बी इंस्टॉलिंग एनी दोस मैलिशियस सॉफ्टवेयर ऑन टू योर फोन, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ ये कर सकते हैं. स्पूफ यूपीआई ऐप अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी वेयर यू कैन क्रिएट दोस स्पूफ्ड यूपीआई एप्स. राइट, इसको लेके एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था इन मार्च 2023 जहां पे 1 करोड़ रुपीज वर स्टोलन फ्रॉम 81 यूजर्स. इसके अंदर भी ये यूपीआई का ही स्कैम था, ठीक है. इसमें क्या कर रहे थे, स्कैमर्स आर सेंडिंग मनी टू पीपल ऑन देयर यूपीआई एप्स क्लेमिंग दैट द ट्रांसफर वाज अ मिस्टेक. मैं आप सबको कर दूं दस की गलती से भेज दिया, प्लीज इसको वापस भेज दीजिए स्क्रीनशॉट के साथ. ऑफकोर्स जो सब कुछ चल रहा है वो सब स्पूफ्ड स्क्रीनशॉट्स के साथ ही इनिशियली स्टार्ट हुआ था, अब थोड़ा सा और एडवांस हो चुका है. अब सिम के ऊपर भी अटैक्स आ चुके हैं जिसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगी. राइट, यूपीआई स्कैम इज देन बिकेम एज अ सोफिस्टिकेटेड मिक्स ऑफ मैलवेयर फिशिंग एंड ह्यूमन इंजीनियरिंग. ठीक है, तो प्रोटेक्ट कैसे करना है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि अगर आपके साथ कोई भी स्कैम हो जाए, ठीक है, आपको पैसे का फ्रॉड हो जाए या आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो जाए, क्या हेल्पलाइन नंबर है, किसी को पता है? 1930. करेक्ट करेक्ट. सो इन द ऑफलाइन आई गॉट माई आंसर, द हेल्पलाइन नंबर इज 1930.
तो इसको तो आपने हमेशा याद रखना है. इनफैक्ट देयर आर अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट्स, आप इसको अपने इंस्टीट्यूशंस में ना वेबसाइट्स के ऊपर कुछ ब्रोशर्स हैं, आपको खुद बनाने भी नहीं पड़ेंगे उन ब्रोशर्स को. आई वुड से कि आप अपने इंस्टीट्यूट में लगाएं. मैं आपके साथ एक वेबसाइट शेयर भी कर सकती हूँ, एक सेकेंड, आई जस्ट गो टू ब्राउजर. आप डायरेक्टली साइबर क्राइम डॉट जी ओ वी पे अगर जाएंगे तो दिस इज द साइबर क्राइम पोर्टल. और इसके अंदर जब आप जाएंगे तो लर्निंग कॉर्नर है, ठीक है, साइबर सेफ्टी टिप्स हैं. ये सब जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ने हर जगह पे डाला हुआ है, बट सिंस यू आर ऑल्सो डूइंग दिस कोर्स और ये कोर्स हम हर साल रन करते हैं, उसके बाद भी देर आर केसेस की साइबर क्राइम होते हैं. तो ये हैंडबुक फॉर टैकलिंग साइबर क्राइम, ये सब जो है ये सब साइबर क्राइम डॉट जी ओ वी डॉट इन पे अवेलेबल है. इसके ऊपर कुछ इन्फोग्राफिक्स भी अवेलेबल है, डायरेक्टली आप उसे प्रिंट आउट करके अपने ट्रेनिंग रिसोर्सेज अवेलेबल अपने इंस्टीट्यूट में लगा सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे नाइलेट साइबर फोरेंसिक्स भी है, ई लाइब्रेरी भी है, एवरीथिंग इज देयर ऑन दिस वेबसाइट. इस वेबसाइट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस पोर्टल iasea.gov.in. सो हेयर यू कैन गो एंड मेक योर सेल्फ अवेयर और किस तरीके से आप अपने आप को और अपने स्टूडेंट्स को, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिकॉज दे आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, जब भी आपको कॉल आ रहा है KYC अपडेट करने के लिए, आधार लिंक करने के लिए, फ्री गिफ्ट या लॉटरी का, दीज आर ऑल होक्स, कभी भी ऐसा नहीं होता है. जस्ट रिमेम्बर व्हाट आवर फोर फादर्स यूज्ड टू टेल अस, कि कभी भी कोई आपको कुछ भी फ्री में नहीं देगा, राइट? उसको हमेशा याद रखना है. तो जो भी वो बोलते थे सही बोलते थे, फ्री लॉटरी फ्री गिफ्ट कभी भी नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता. बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर या गैस एजेंसी पर्सन से आएगा, अपनी डिटेल्स नहीं देनी आपको, राइट? लोन वगैरह के लिए कॉल्स तो आई थिंक हम सबको डेली ही आते हैं. क्रेडिट कार्ड का फोन तो आई गेस मुझे तो रोज आता है, एक बारी, इनफैक्ट दो बारी भी आ जाता है कभी कभी. तो और जो टेलीकॉम ऑपरेटर है उनकी तरफ से भी एक कॉल आता ही आता है. सो मेक श्योर दैट यू आर कंसिडरिंग कि वो किस तरीके से उनसे बात करनी है. मतलब कि फ्रॉडस्टर्स हैं तो आपको पता चल जाएगा कंपनी से कॉल है, दैट विल ऑल्सो यू नो, राइट? एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखनी है. अच्छा, अगर मैं आपसे अभी फोन करके कहूँ कि आपके फोन में मेरे को ये कोर्स रजिस्टर नहीं हो रहा, आप मुझे अपने फोन का रिमोट एक्सेस दे दीजिए, और इसके लिए आपको एक ये बहुत इजी ऐप है, एनी डेस्क या टीम व्यूअर डालना है, तो क्या आप डालेंगे? नहीं देंगे रिमोट एक्सेस, नहीं देंगे अपने फोन का. किसी का वो रहता है, कोई आपके फोन को एक्सेस कर सकता, कोई आपके फोन को एक्सेस कर सकता है, करेक्ट? यहाँ पे मुझे आंसर मिला है ऑफलाइन में कि दो एप्स हैं, ऐसी और भी बहुत सारी एप्स हैं, मैं चैट बॉक्स के अंदर लिख रही हूँ. वन इज एनी डेस्क, ठीक है, और एक है टीम व्यूअर. इसके साथ और भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो एप्स जो आपसे रिमोट, वर्ड्स मैं आपको बता देती हूँ, रिमोट सेशन, अगर किसी ऐप में रिमोट सेशन है, रिमोट लॉगिन जैसे कीवर्ड्स हैं, दैट मींस आपको उनको उन एप्स को ना इंस्टॉल करना है, कोई डाल रहा है तब भी आपने उसको डालने नहीं देना है, ठीक है? कोई भी आपसे पिन मांग रहा है, वो ये सब बातें हो चुकी ऑलरेडी, बट रिमोट एक्सेस जैसे सिस्टम का मांगते हैं ना, कई बार ट्रबल शूट करना होता है, ट्रबल शूट नहीं हो पा रहा है, तो वो अलग चीज होती है, वो भी आपको सिर्फ उसी को देना चाहिए जिसपे आप ट्रस्ट करते हो, बट नॉट एनीबडी XYZ पर्सन हु इज कॉलिंग यू एंड आस्किंग द रिमोट एक्सेस ऑफ योर फोन, ठीक है? बिकॉज आजकल फोन से ही सब कुछ हो रहा है, आपके OTPs, आपके UPI सब कुछ फोन के अंदर है, सो मेक श्योर यू आर नॉट डूइंग दैट. मेलिशियस एप्स, अब भीम को लेके भी ये, जैसे आप पॉइंट नंबर 4 में देख रहे हो स्लाइड पे, मोदी भीम, भीम मोदी, भीम पे, पेमेंट UPI, एक सिर्फ भीम ऐप को लेके ही इतनी सारी मेलिशियस एप्स बन गई थी. और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने ये भी इंस्टॉल करी होगी और इसी से जो पर्सनल डेटा है कस्टमर्स का वो लीक हुआ था. एक जो फर्स्ट पॉइंट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है जो शायद डिस्कस नहीं हुआ है, सिम कार्ड को लॉक करना. किया है किसी ने सिम कार्ड को लॉक ऑनलाइन में, ऑफलाइन में कभी किसी ने सिम कार्ड को लॉक किया है? एनीवन, किसी ने सुना है सिम कार्ड लॉक के बारे में? पीयूसी कोड, अच्छा PUK, आई गेस. हाँ जी, इसमें भी होता है सर, इसमें भी होता था, वो ब्लॉक हो जाती थी. अच्छा, यस डॉक्टर रुचि, यस दैट्स राइट, PUK बेसिकली, वो PUK नेक्स्ट स्टेप होता है. मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ दे देती हूँ. आप अपने फोन्स में ना अभी चाहे बैठ के ही सर्च करना सेटिंग्स में सिम कार्ड लॉक, सिर्फ सर्च करना, करने को नहीं कह रही, वो आप कर सकते हो, दैट इज अप टू यू. उसमें वो जो PUK वाली जो फीचर आता है ना, वो तब आता है जब आप 3 बारी पिन गलत डाल देते हो.
उसके बाद वो जो पीयू के नंबर मांगता है, वो जब आप सिम खरीदते हो ना, उसके ऊपर एक 14 डिजिट का या 15 डिजिट का एक नंबर होता है, वो आपको डालना पड़ता है, फिर वो सिम अनलॉक होती है। और यूजुअली हम जो जब सिम खरीदते हैं, जो उसका बॉक्स होता है, जो वो पाउच होता है छोटा सा, वो यूजुअली संभाल के नहीं रखते, या इट गेट्स मिसप्लेस बिकॉज बहुत टाइम हो जाता है सिम जब जब तक हमारे पास होती है, तो वो आपको फिर सर्विस प्रोवाइडर के पास जाके करवाना पड़ता है। इसका फायदा क्या है सिम कार्ड को लॉक रखने का? ऑफकोर्स पिन याद रखनी पड़ेगी आपको। अगर आप पिन को याद नहीं रखोगे तो फिर 3 अटेम्प्ट्स के बाद वो आपकी सिम परमानेंटली लॉक हो जाएगी, या तो फिर वो सर्विस प्रोवाइडर के पास जाके खुलेगी या पीयू के डालना पड़ेगा आपको। ठीक है, सिम कार्ड लॉक करने का मतलब ये है कि सपोज आज के टाइम में आपका फोन चोरी हो जाता है, ठीक है, आपका फोन खुल नहीं रहा, लेकिन आपके फोन की सिम निकाल के मैं दूसरी जगह डाल लेती हूँ, ठीक है, जो भी मैं ऐप डालूंगी ओटीपीस कहाँ आएंगे, उस सिम पे ही आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपनी सिम कार्ड को लॉक किया होगा, तो जब दूसरा बंदा जो फ्रॉडस्टर है उस सिम को अपने फोन में डालेगा और ऑन करेगा, तो वो सिम पे पिन मांगेगा। इसका फायदा ये होता है, ठीक है, कि क्योंकि आजकल सब कुछ फोन मोबाइल नंबर के थ्रू है, तो सिम कार्ड को लॉक करना आपके फोन्स में आप चेक भी कर सकते हो। मेरे फोन में सैमसंग फोन्स में तो सेटिंग्स में जाके बस आपको सिम कार्ड लॉक चेक करना है, इफ यू वांट टू स्विच इट ऑन। हो सकता है आप अपने फोन्स में चेक कर लीजिए, हो सकता है आपने लगाया भी हो या आपकी फैमिली ने फोन्स पे सिम कार्ड लॉक लगाया भी। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर, बिकॉज एक टाइप का फ्रॉड जो चल रहा है वो ई सिम फ्रॉड भी चल रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सिम स्वैपिंग फ्रॉड भी चल रहा है, ये दोनों फ्रॉड्स प्रोटेक्ट हो सकते हैं जब आप सिम कार्ड को अपनी को लॉक करके रखते हो, ठीक है। सिम तो मेक श्योर 3 अटेम्प्ट्स के बाद, बट वो पीयू के आपको डालना पड़ेगा, सो मेक श्योर यू रिमेम्बर योर पिन्स, ऑफ कोर्स वो इम्पोर्टेंट है। केसेस में आई एम जस्ट स्किपिंग केसेस के बारे में बात नहीं करेंगे। एटीएम स्किमिंग और शिमिंग के बारे में अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी शेडी जगह पे जाके अपने एटीएम कार्ड को एक्सेस मत कीजिए, कोई भी रिमोट लोकेशन है वहां पे मत करना। जिसके अंदर आप कार्ड डालते हो, जो कार्ड स्कैनर है, उसको एक बार थोड़ा हिला के देख लेना चाहिए। आई थिंक ये बेसिक्स है, बट अगर किसी को नहीं पता है, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी हैं जो ये फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं सेशन, तो अगर किसी ने नहीं खींच के देखा, उसको थोड़ा हिला के देखिए। अगर आपको लग रहा है कि वो हिल रहा है या बज रहा है, दैट इज उसके अंदर एक स्किमर लगा हुआ है, ठीक है, यानी आपके कार्ड जो है वो क्लोन हो जाएगा। क्लोन करने का मतलब है कि उसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा, क्लोनिंग हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है, आपने चेक करना है कि जहां पे ये पिन होल कैमरा है जो ये पॉइंट कर रहा है इन द सेकंड फिगर राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे भी कभी कभी कैमरा होता है, और जो ये स्लिप्स के लिए इन्होंने एटीएम के साइड में लगाया होता है, जहाँ पे पैम्फलेट्स होते हैं बैंक से रिलेटेड, वहां पे भी आपका कभी कभी कैमरा होता है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो, तो जब आप पिन डाल रहे हैं ना, तो जस्ट कवर योर वन हैंड विद अदर हैंड जब आप पिन को डाल रहे हो, बिकॉज इफ यू कैन नॉट चेक ऑल द कैमराज, तो एक सीसीटीवी तो चलो होता ही है पीछे, बट जो स्कैमर्स लगा सकते हैं, दोस कैमराज कैन बी एट दीज लोकेशंस आल्सो, राइट। और जो कीपैड है, अगर आपको थोड़ा सा भी स्टिकी फील हो रहा है, दैट मींस एक्चुअल वाले कीपैड के ऊपर जिस पे आप अपनी पिन डाल रहे हो, एक फ्रॉडस्टर ने एक दूसरा कीपैड इम्प्लांट कर दिया है, उसके अंदर एक माइक्रो चिप है, जो भी आप पिन्स डाल रहे हो दैट आर बीइंग कॉपीड इनटू दैट चिप। तो अगर पीछे से जो बैकलाइट आ रही है ना, जो ये पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स में भी जब आप देखते हो POS में, जो देखो जो सेफ है उसमें जो बैकलाइट आ रही है मशीन की, वो थोड़ी अच्छे से लिट होंगे। लेकिन अगर यूजुअली इतना ध्यान कोई नहीं देता, हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, फटाफट पिन डालते हैं और निकल जाते हैं, बट ये भी चीजें आपने ध्यान में रखनी है, एटलीस्ट कि जो कार्ड इंसर्ट हो रहा है, सस्पिशियस अगर वो मशीन होगी तो वो कार्ड इतना ज्यादा अंदर तक जाएगा, लेकिन अगर वो सेफ होगी तो ओनली दैट मच अमाउंट ऑफ कार्ड विल बी इंसर्टेड। तो ये बेसिक चीजें हैं, POS पे भी हो सकती है, पॉइंट ऑफ सेल पे भी, जब भी आप किसी मर्चेंट के पास जाके कार्ड को स्वाइप कर सकते हो रादर देन ATM। ATM का पीछे हमने बात की, यहाँ पे आपकी स्किमिंग इस तरीके से भी हो सकती है। सस्पिशियस के अंदर ऑफ कोर्स बैकलिट कम होगी, ठीक है, एक फेक पिन पैड ओवरले लगाया हुआ होगा, सो वो उससे आपको थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग इससे भी बचने के लिए क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शंस कर लो, ठीक है। ये पहले तो कार्ड थे, अब तो चलो UPI आ गया, हम लोग कॉन्टैक्टलेस स्कैन करते हैं और भेज देते हैं, उसके बारे में हमने पहले बात कर ली कि कैसे किस तरीके से हमें ध्यान में उन चीजों को रखना है। कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शंस होती है NFC के थ्रू होती है, वो सिर्फ टैप करते हैं और वो हो जाता है। उसमें भी आप अपने कार्ड के ऊपर एक लिमिट रख सकते हो कि कितने अमाउंट तक जो है आपकी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, बट आई एम एज्यूमिंग कि शायद कुछ लोगों को नहीं पता होंगी, इसलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सिम स्वैप फ्रॉड के बारे में क्या है, यहाँ पे उसकी सारी थ्योरी गिवन है इस वाले प्रेजेंटेशन के ऊपर। सिम स्वैप फ्रॉड से क्या होगा कि आपके नंबर को फ्रॉडस्टर आपके टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करके कहेगा, मेरा जो नंबर है वो मेरे इस सिम के ऊपर स्वैप कर दो। बेसिकली पूरी कहानी ये है कि इम्पर्सनेट आपको किया जाएगा, और आपको इम्पर्सनेट करने का मतलब है कि आपके ऊपर सोशल इंजीनियरिंग हो चुकी होगी। नाम, आप कहाँ काम करते हैं, अभी भी जैसे जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हैं और जो ऑफलाइन में भी आए हुए हैं, आई नो देयर नेम फ्रॉम वेयर दे आर, फ्रॉम वेयर यू हैव कम, योर मोबाइल नंबर, योर ईमेल नंबर। तो ये इन्फॉर्मेशन
मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये आपकी, इनफैक्ट ये आपकी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट्स पे भी आजकल सब कुछ अवेलेबल होता है, ठीक है। तो बस थोड़ी सी सोशल इंजीनियरिंग, और एक वीडियो भी आपने शायद देखी होगी, श्वेता मैम ने दिखाई थी कि कैसे उन्होंने परसुएड किया कि आप इस नंबर पे वो जो एक आई थिंक एक कॉल थी जिसमें पीछे बेबी क्राई कर रहा था, वो वाली कॉल में उन्होंने उस उनको अपने आपको एक ऑथेंटिकेटर बना दिया था फॉर दैट पर्सन अकाउंट। तो इस तरीके से वो आपके नंबर को अपने पास स्वाप करा सकते हैं। देन ये अबाउट 1.7 करोड़ का फ्रॉड वेस्ट बंगाल में हुआ था एक बिजनेसमैन के साथ, जिसमें अ क्लास 12th ड्रॉपआउट स्टूडेंट ने ही ये सिम स्वाप फ्रॉड किया था। उस बिजनेसमैन के नंबर को उसने अपने सिम के ऊपर स्वाप करवा लिया, और इतनी सारी ट्रांजेक्शन उसके मल्टीपल बिजनेसेस के साथ हो गई। तो आपने कैसे ध्यान रखना है कि अगर ये हमारे साथ होगा, कैसे पता चलेगा? आप फोन्स नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आपका ना मैसेजेस कर पा रहे हो, ना इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हो, तो देयर इज द, पहले तो आप फोन ऑफ करके ऑन करोगे, पहला तो यही है। दूसरा, आप सिम निकाल के दोबारा डालोगे। तीसरा, आप ऑपरेटर के, टेलीकॉम प्रोवाइडर के पास जाओगे। तो ये आप काम आपको जल्दी करने हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका सिम नंबर कहीं और ऑपरेट कर रहा है और टेलीकॉम प्रोवाइडर ने आपके इस सिम को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। तो इफेक्टिवली जब उसको पता चला, जो बिजनेसमैन था उसको पता लगा उसकी सिम ब्लॉक है उसके परमिशन के बिना, और वो नया कार्ड, सिम कार्ड इशू करवाने गया, तो उस टाइम पे उसके एम्प्लॉय ने बताया दैट दीज मच नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आपके नंबर से उसी रात के अंदर हो चुकी है, राइट। सो ये सिम स्वैपिंग इस तरीके से काम करती है। आई विल शेयर द प्रेजेंटेशन, आप उसमें जा सकते हो, ठीक है। तो क्या साइंस हैं दैट यू आर विक्टिम ऑफ सिम स्वैप, ये मैंने आपको बता दिया। कांट मेक कॉल्स, यू आर ऑफन नोटिफाइड ऑफ एक्टिविटी एल्सवेयर, ये आपको गूगल में बताया जाता है यूजुअली, अगर आपने टू पॉइंट ऑथेंटिकेशन ऑन किया हुआ है या कि आपने यहाँ लॉग इन किया। बहुत सारी वेबसाइट्स एजुकेशन में, मुझे पता है रिसर्च गेट है, गूगल है, और टर्निटिन वगैरह जैसी वेबसाइट्स हैं, वो बताती हैं आपने यू हैव लॉग्ड इन एट दिस प्लेस फ्रॉम दिस अकाउंट। सो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट, यू आर अनेबल टू एक्सेस द अकाउंट्स। और कुछ ऐसी ट्रांजेक्शंस हैं, कितने लोग हैं जो आज के टाइम में अपनी स्टेटमेंट्स को ढंग से देखते हैं, क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को देखते हैं, या जो आपका मेन अकाउंट है उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं बहुत बारीकी से। बट मेक श्योर दैट वंस इन अ मंथ यू आर चेकिंग दैट कि कोई ऐसी ट्रांजेक्शन तो नहीं है जो लेजिटिमेट नहीं है। लास्ट इज द ई सिम फ्रॉड, जिसके बाद मैं टूल्स डिस्कस करूंगी। ई सिम फ्रॉड बेसिकली क्या है, अब आज के टाइम में, पहले क्या थी, मिनी सिम थी, फिर देन केम माइक्रो सिम, देन नैनो सिम, और आजकल हम ई सिम की बात कर रहे हैं। बहुत सारे मोबाइल्स के अंदर नाउ ई सिम का स्लॉट आ रहा है। ई सिम इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सिम। इलेक्ट्रॉनिक सिम के अंदर बेसिकली क्या है, वो रिमूवेबल नहीं है, वो एक माइक्रोचिप ही है जो आपके फोन के अंदर एम्बेडेड ही आती है मदरबोर्ड के ऊपर, राइट, रिमूवेबल नहीं है। फायदा क्या है, जब आप एमएनपी करते हैं, मल्टीपल कैरियर्स में ट्रांसफर करते हैं, तो आपको हर एक की सिम नहीं लेनी पड़ती, ठीक है। फायदा यह कि वही प्रोग्रामेबल है, उसी के ऊपर आप कर सकते हो, तो ई सिम का ये फायदा। अब ई सिम में क्या फ्रॉड चल रहा है, मैं आपको एक ब्रीफ जिस्ट दे देती हूँ विद द डायग्राम, इसके ऊपर रखते हैं, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। सो एज्यूम अ सिनेरियो, ठीक है, मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ। मेरे बिहाफ पे एक फ्रॉडस्टर ने मेरे टेलीकॉम प्रोवाइडर, सपोज इट्स एयरटेल, उनको कॉल करके कहा कि दैट आई वांट अ ई सिम, ठीक है, मेरे को अपने इस वाले नंबर पे ई सिम चाहिए, तो आप मुझे दे दीजिए, ठीक है, एंड दिस इज माय ईमेल आईडी। और फ्रॉडस्टर ने मुझे कॉल किया दैट आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस भारती एयरटेल, अज्यूमिंग एयरटेल, नॉट टेकिंग, मतलब कोई भी हो सकता है, वोडाफोन आइडिया, एनी। तो एयरटेल वालों ने मुझे कॉल किया, मतलब फ्रॉडस्टर ने कहा आई एम कॉलिंग फ्रॉम एयरटेल एंड आपका जो सिम है ये ब्लॉक हो गया है, आप ई सिम ले लीजिए, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके ब्ला 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 ये सारे बेनिफिट्स हैं, कुछ 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 बोल दिया, लेओर करने की कोशिश की। सो नाउ आई एम द इंटरमीडियरी बिटवीन बोथ ऑफ देम। करना क्या होता है, ई सिम आप भी ले सकते हो अभी बैठे बैठे, मैं एयरटेल में मैसेज करूं, जैसे 121 विच इज द कस्टमर केयर नंबर फॉर एयरटेल, ई सिम स्पेस एंड ईमेल आईडी, तो मैं फ्रॉडस्टर आपसे ये कहूंगी कि उन्होंने मुझे कहा कि आप मैम आपको ई सिम चाहिए, ई सिम करके आप हमारा ईमेल आईडी दे दीजिए। सपोज मैं अपना देना, मुझे क्या चाहिए, मुझे अपना पर्सनल ईमेल आईडी देना चाहिए जिसपे ई सिम आएगा। बेसिकली ई सिम है वो आपको बाय हैंड तो देने नहीं आ रही, इट्स नॉट अ फिजिकल एंटिटी, इट्स जस्ट अ क्यूआर कोड। मैं आपको पहले बता दूं, ई सिम जब आप एक्टिवेट कराइए अगर किसी ने, वो सिर्फ एक क्यूआर कोड आता है, वो भी आपके ईमेल पे आता है। तो फ्रॉडस्टर ने मुझे कहा मैम आप ई सिम लिख के इस ईमेल आईडी पे दीजिए। सपोज मैं आपसे कहती हूँ ई सिम करके एफडीपी 44 पे भेज दो, ठीक है। तो अब जब एयरटेल जब मेरे को भेजेगा जो आपका ई सिम का क्यूआर कोड, वो एफडीपी 44 पे आएगा, जिससे आप सबको शायद लिंक भी आया, रादर देन आपकी पर्सनल ईमेल आईडी पे, राइट। सो उस ईमेल को एक्सेस करके, उसके बाद उस क्यूआर कोड को स्कैन करके, आई कैन गेट द एक्सेस टू योर ई सिम, और जो आपका करंटली जो फिजिकल सिम जो आपके फोन में चल रहा था वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी ब्लॉक्ड, राइट। सो इस तरीके से ये वाला जो ई सिम वाला फ्रॉड है, ये भी ऐसे चलता है, और आपको डायरेक्टली मैसेज आएगा थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन, आपका क्यूआर कोड स्कैन हो चुका है एंड योर ओल्ड सिम, जो ये लास्ट स्क्रीनशॉट है, योर ओल्ड सिम विल नाउ वर्क टिल द न्यू ई सिम गेट्स एक्टिवेटेड। सो अगर ऐसा होता है आपके साथ, तो आपको क्या ध्यान रखना है इस केसेस में, वन सेकेंड, या ई सिम वाला नहीं,
ठीक है, ईसिम वाले में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको इस तरीके का कोई मैसेज आया है जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, और अगर आपने ये नहीं किया है तो एयरटेल के अंदर आप क्या कर सकते हो, हाँ लास्ट पॉइंट, एयरटेल के अंदर आप क्या कर सकते हो, मैसेज भेज दो नो सिम टू 121। ठीक है, ये आपको अपने ऑपरेटर का ध्यान रखना है कि अगर आपको ईसिम इनिशिएशन का मैसेज आया है जो आपने नहीं किया है तो एयरटेल का आई एम टेलिंग हियर, बाकी आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, ऑफकोर्स ऑथेंटिकली चेक कीजिएगा, अनऑथेंटिक वेबसाइट पे जाके मत चेक कीजिएगा कि किस तरीके से आप नो सिम करके इनिशिएशन को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ईसिम फ्रॉड, सिम स्वैप फ्रॉड के बारे में बात कर दी, ये ऑलरेडी केस स्टडीज डिस्कस हो चुके हैं, उस पर नहीं जा रहे हैं। एक बात कर लेते हैं, पेमेंट गेटवे क्या होता है। यूजुअली आपसे कहा जाता है कि आपने कोई पेमेंट कर दी, अगर वो आपने नहीं किया फ्रॉडुलेंट है तो पेमेंट गेटवे में वो जो पेमेंट है वो पड़ी रहती है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि पेमेंट गेटवे है क्या, किसी को पता है पेमेंट गेटवे क्या है? थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। तो अगर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर बेसिकली वो है जिसको सेंडर और रिसीवर दोनों ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या था कि जब आप बैंक में जाके ट्रांजेक्शन करते थे तो जिसको आप पैसे भेज रहे हैं उसके बीच में और आपके बीच में वो बैंक एक ट्रस्टेड पार्टी है कि हाँ बैंक विल इंश्योर दैट द ट्रांसफर इज डन। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो पेमेंट गेटवे बेसिकली एक इस तरीका का इंटरमीडियरी है। ठीक है, जरूरी नहीं है वो सरकारी हो, वो प्राइवेट भी हो सकता है, जैसे पेपैल है, गूगल पे है, ये एक इंटरमीडियरी है जो मेक श्योर करते हैं कि जो ट्रांजेक्शन है वो सिक्योर हो। वो ट्रांजेक्शन सिक्योर हो उसके लिए उनको एक ना स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। जैसे हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदते हैं, हम ये देखते हैं कि उसके ऊपर ISI मार्क्ड है कि नहीं, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट्स जो है या इक्विपमेंट है जो बनना चाहिए। तो जब भी सपोज आज मैं कह देती हूँ कि मुझे अपना एक पेमेंट गेटवे बनाना है, मेरे थ्रू लोग अपनी ट्रांजेक्शंस करें। ठीक है, कभी कभार आपने देखा भी होगा पेमेंट गेटवे के कुछ चार्जेस भी होते हैं, सम अमाउंट इज मतलब अगर आपको कुछ 120 पे करना है तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं आपके कभी कभी जब आप कार्ड से पेमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो वो किसका किसका मार्जिन होता है, वो गेटवे का मार्जिन होता है, उन्होंने भी तो पैसा अर्न करना, ऑफकोर्स इट्स अ बिजनेस। सो इफ आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ पेमेंट गेटवे, मुझे PCI कॉम्प्लायंस जो ये थर्ड पॉइंट है, इस स्टैंडर्ड को मुझे फॉलो करना होगा, विच इज अ पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल, इसको मुझे कम्प्लाई करना होगा। ये स्टैंडर्ड मुझे ये बताएगा किस तरीके से मुझे उस जो पैसे सेंड कर रहा है उसके क्रेडिट कार्ड को सेव करना है, कौन सा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाना है, किस तरीके से डेटा बीच में जो है लॉस्ट ना हो। तो बेसिकली एक ये तरीके का स्टैंडर्ड होता है पेमेंट गेटवे। फिर बात आई टोकनाइजेशन की, टोकनाइजेशन के बारे में किसी को पता है, कार्ड की टोकनाइजेशन जितनी भी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं पहले वो आपके कार्ड को सेव करके रखती थी, कार्ड डिटेल्स वर सेव्ड, आपको सिर्फ OTP डालना होता था, इनफैक्ट CVV वाज आल्सो सेव्ड इन सम ऑफ द वेबसाइट्स। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने ये कहा कि आप किसी का भी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और उनका नेम और उनका एक्सपायरी डेट वो सेव नहीं कर सकते। इफेक्टिवली द व्हाट दे हैव डन इज उस सारी डिटेल्स को लेके आप एक टोकन बना लो। ठीक है, टोकन एक यूनिक आइडेंटिफायर, जैसे UPI में आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है उस तरीके से आप उसको टोकन बनाओ और उस टोकन के थ्रू उनकी पेमेंट्स को कराओ। तो टोकन आप सेव करो, ठीक है, मतलब रैपिंग के ऊपर रैपिंग है, अंदर आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स है उसके ऊपर, उस रैपिंग को आपने कितने अच्छे तरीके से इनक्रिप्ट करके एक टोकन बनाया है, सो दैट इज टोकनाइजेशन, राइट। हेल्पलाइन नंबर के बारे में जैसे मैम ने बताया था अभी ऑफलाइन में, हेल्पलाइन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी है, किसी भी तरीके का साइबर फ्रॉड हुआ है, नॉट जस्ट मॉनिटरी टर्म्स में, इफ यू फील आपको कोई मलिशियस कंटेंट भेज रहा है, कोई आपको इस तरीके से कॉल्स आ रही है, सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप उसे रिपोर्ट कीजिए। ये नहीं सोचना कि मतलब वी विल बी इन अ ट्रबल, कौन उनके साथ कम्युनिकेट करेगा, चाहे एनोनिमसली रिपोर्ट करिए। जैसे कि आप ट्रू कॉलर में कई बार नंबर को एक को स्पैम कर देते हो, तो इसी तरीके से 10 लोग करेंगे तो वो स्पैम नंबर एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम 11वें को कॉल आएगा तो ही और शी विल नो कि ये एक स्पैम कॉल है। ठीक है, सो दिस विल बी अ कम्युनिटी एफर्ट, तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं जरूर। और फाइनेंशियल फ्रॉड है तो करेक्ट, अगर आप एक घंटे के अंदर अंदर ट्रांजेक्शन आईडी के साथ इस नंबर पे कॉल करते हैं जो आपके सामने है 1930, आपकी ट्रांजेक्शन रिवर्स हो सकती है, बिकॉज एक घंटे के अंदर अंदर वो पेमेंट गेटवे में पड़ी होती है। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया था कि पेमेंट गेटवे होता क्या है, मतलब रेमिटर के पास जाने से पहले आप वो पेमेंट गेटवे के अंदर पड़ी रहती है एक घंटे तक। तो डू मेक श्योर कि अगर ऐसा कुछ फ्रॉड है जस्ट कॉल 1930 विद योर ट्रांजेक्शन आईडी एंड यू विल बी डन। लेकिन अगर एक घंटे से ऊपर हो गया है, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, उसके बाद आप क्या करते हो, बैंक के पास जाते हो, बैंक के पास जा रहे हो आप, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गया, लेकिन अगर आपको 1 महीने के अंदर सोल्यूशन नहीं मिलता तो हर एक सिटी में एक बैंकिंग ओम्बड्समन होता है जिसको बैंकिंग लोकपाल कहा जाता है। अगर बैंक भी आपकी नहीं सुन रहा है तो पहले तो देखो पेमेंट गेटवे पे किया, अगर टाइम एक्सीड हो गया तो फिर आप बैंक के पास गए, बैंक नहीं सुन रहा आपकी तो एक बैंकिंग ओम्बड्समन होता है जो RBI की तरफ से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप बैंक
आपकी बात नहीं सुन रहा है, उसको आप एस्केलेट कर सकते हो टू दी बैंकिंग लोकपाल, ठीक है? यू कैन गो एंड फाइल एन ऑनलाइन कंप्लेंट एट दिस वेबसाइट विच इज गिवन एट पॉइंट नंबर बी, ठीक है? सो दिस वॉज अबाउट कि किस तरीके से, जैसे दो तीन फ्रॉड्स मैंने आपको फाइनेंशियल के बारे में बताने थे और यूपीआई पेमेंट्स में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, फिर से रिइटरेट कर रही हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा क्यूआर कोड को ही स्कैन किया जाता है. क्यूआर कोड तब स्कैन करना है जब पैसे भेजने हैं. व्हेन यू आर सेंडिंग मनी जस्ट स्कैन द क्यूआर कोड देन एंड नॉट व्हेन यू आर एक्चुअली रिसीविंग द मनी, ठीक है? मेक श्योर यू डू दैट. अब मैं आपको एक सिंपल से ना एक टूल बताऊंगी विच इज यूएसबी राइट ब्लॉक, ठीक है? इसको मैं फटाफट इंस्टॉलेशन पे लगा देती हूँ. यूएसबी राइट ब्लॉक का मतलब क्या होता है वो मैं तब तक, जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं तब तक आपको बता दूंगी कि यूएसबी राइट ब्लॉकिंग है क्या. वैसे तो नाम से ही क्लियर है, यूएसबी के अंदर आप लिख नहीं सकते, यू आर राइट ब्लॉकिंग द यूएसबी, ठीक है? बहुत सिंपल सेटअप है. कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करते हो उसी तरीके से करना है. एक प्रेजेंटेशन में मैं आपको एक इसका रेफरेंस दे देती हूँ कि क्या मतलब होता है. दिस इज एन ओल्ड प्रेजेंटेशन, जस्ट एक हाँ, ये वाली चीज जो होती है डेटा स्पोलिएशन, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है. अब सपोज आजकल जो क्राइम्स है वो अगर साइबर क्राइम्स हो रहे हैं या डिजिटल हो रहे हैं और आपका जो एविडेंस है, पहले के टाइम में एविडेंस यूज टू बी ह्यूमंस, ठीक है, या कोई फिजिकल चीज है, आज के टाइम में एविडेंस किस फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल, ठीक है? तो उस डेटा को हर एक हियरिंग में अगर कोर्ट एक्सेस करेगा, बार बार एक्सेस करेगा, तो उस डेटा की जो इंटेग्रिटी है, यानी कि जो ओरिजिनल जिस फॉर्म में था, सपोज आप कोई भी किताब 10 बार पढ़ रहे हो, जिस तरीके से वो फर्स्ट टाइम थी, न्यू थी, इतनी वो 10 बार पढ़ने के बाद तो नहीं होगी. लाइकवाइज डिजिटल डेटा को भी आप बार बार एक्सेस करोगे तो उसका एक चीज होती है मेटा डेटा. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर. या तो जैसे मैं क्लास ले रही हूँ, मेरा मेटा डेटा क्या है, मेरा नाम, मेरे एट्रीब्यूट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच आई वर्क, व्हेन आई जॉइंड द डिपार्टमेंट, ठीक है, व्हाट इज द टाइम दैट आई यूजुअली कम टू, मतलब मेरे से रिलेटेड जो डेटा है. तो डेटा से रिलेटेड जो डेटा होता है वो मेटा डेटा होता है. आपकी फाइल किस दिन क्रिएट की गई, लास्ट कब मॉडिफाई की गई, मतलब दीज आर ऑल द मेटा डेटा. तो मेटा डेटा अगर आपको एक्सेस करना है ना किसी भी फाइल का, तो आप राइट क्लिक करके, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज पे जा सकते हो. तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाके जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सारा उसका मेटा डेटा होगा. तो शो मोर ऑप्शंस. सो द डेटा अबाउट द डिटेल्स के अंदर जाके ये यहीं पे मेन, तो व्हाट इज द साइज, व्हेन इट वाज क्रिएटेड, मॉडिफाइड, एक्सेस्ड, ठीक है. एडवांस के अंदर जाके इसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, रीड ओनली है, हिडन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दिस इज द डेटा अबाउट द डेटा. तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक यूएसबी राइट ब्लॉकिंग लगा देते हैं. यानी कि जितनी बारी भी मैं अपनी पेन ड्राइव को एक्सेस करूंगी ना, उतनी बारी ही मैं उसको एक्सेस कर सकती हूँ विदाउट स्पॉइलिंग इट्स मेटा डेटा, ठीक है? एक ये फायदा है. लीगल टर्म्स में इसका फायदा ये है कि आई कैन प्रिवेंट डेटा स्पोलिएशन, राइट? अब मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दे देती हूँ जो यूएसबी राइट ब्लॉकिंग टूल है. वंस यू हैव इंस्टॉल्ड इट, आपके डेस्कटॉप के ऊपर ये एक आइकन आ जाएगा, द लॉक आइकन, ठीक है? इसको मैंने क्लिक किया. इवन इफ आई विल टेल यू तरीका जिसके अंदर आप इस सॉफ्टवेयर के बिना रजिस्ट्री में जाके भी कर सकते हो, बट ये उनके लिए है जो टेक सेवी नहीं है, मतलब, ठीक है? इसका मैं आपको सेटअप दे दूंगी. आई विल ईमेल इट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन ऑल्सो. वन सेकेंड. Let me just try again. It's cool. Run as administrator. Let's just try the installation once again. एक बार फिर से try करते हैं.
सिस्टम इज हैंगिंग तब तक इसका दूसरा हैक बता देती हूँ इफ इट इज नॉट वर्किंग राइट नाउ हम क्या करेंगे रेग एडिट में जाएंगे रेग एडिट मींस रजिस्ट्री एडिट ठीक है अगर सॉफ्टवेयर ये नहीं वर्क करता है तो आपने क्या करना है रजिस्ट्री में एडिट कर देना है जाके ठीक है रजिस्ट्री में एडिट करना है ओके करना है सो बेसिकली दिस इज फॉर दोज हु हैव अ बिट नॉलेज की रजिस्ट्री होती क्या है ठीक है ये जो पाथ है ये पाथ मैं इसके अंदर चैट के अंदर भेज रही हूँ ठीक है इनफैक्ट आई विल शेयर अ लिंक आल्सो वन सेकंड आई विल शेयर अ लिंक कि किस तरीके से ये करना होता है आप वो देख सकते हो ये जो लिंक है इसको भी कॉपी गो बैक सो बेसिकली ये जो राइट प्रोटेक्शन इनेबल करते हैं ना हम यूएसबी डिवाइसेस के ऊपर राइट प्रोटेक्शन का ये मतलब होता है इफ इट इज नॉट वर्किंग आई विल जस्ट शो यू द स्क्रीनशॉट्स फॉर नाउ ठीक है राइट प्रोटेक्शन में क्या होता है कि सपोज मैंने इसके ऊपर राइट प्रोटेक्शन लगा दिया अपनी यूएसबी के ऊपर पहले रजिस्ट्री में जाके कैसे किया ये जो रजिस्ट्री के यहाँ पे जो मैंने आपके साथ लिंक शेयर किया है आई विल शेयर दिस लिंक हियर आल्सो इन द चैट बॉक्स इस लिंक के ऊपर इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि रजिस्ट्री में जाके किस तरीके से आपको एक नया की बनाना है ठीक है न्यू की बनाने के बाद एक न्यू डी वर्ड क्रिएट करना है उसकी वैल्यू को आपको वन कर देना उस डी वर्ड का नाम देना है राइट प्रोटेक्ट तो बेसिकली जो ये सॉफ्टवेयर है ना ये भी बैकएंड पे यही कर रहा है कि रजिस्ट्री में जाके एक आपने नया की बना दिया एक नई सेटिंग ऐड कर दी बेसिकली सिंपल लेमैन टर्म्स में हमने क्या किया एक नई सेटिंग ऐड किया कि जैसे ही हम यहाँ पे गए ये जो पाथ है पहले ये पाथ आपको इस वेबसाइट पे भी मिल जाएगा यहाँ पे भी मैंने बता दिया जब आप रजिस्ट्री के अंदर जाते हो ना सो रजिस्ट्री में इनिशियली आपको इस तरीके से मिलेगा जब आप अपनी सिस्टम की रजिस्ट्री में जाओगे तो उसके अंदर पाथ क्या है कंप्यूटर एच की लोकल मशीन उसके अंदर सिस्टम सिस्टम के अंदर करंट कंट्रोल सेट और उसके अंदर कंट्रोल Now what you want to do is you want to create a new key. मैं यहाँ पे step by step बता रही हूँ New key generate करी इसका नाम देना है storage device policies. ये सब उस website के ऊपर given है इस तरीके से आपको generate करना है ठीक है Already यहाँ पे storage device policies exist करता ये रहा है ना ये रहा storage device policies already ये पहले भी demo हुआ है इसलिए यहाँ पे available है इसके अंदर जाके यहाँ right click करके new D word ठीक है इस D word का नाम क्या देना है Right protect ठीक है राइट प्रोटेक्ट इसमें अभी वैल्यू क्या आ रही है इसकी जीरो दैट इज जीरो कंप्यूटर में फॉल्स वन इज ट्रू तो अगर आप इसको वन कर देते हो और ओके कर देते हो सो नाउ इट इज राइट प्रोटेक्टेड अब आप यूएसबी के अंदर कुछ भी नहीं लिख सकते हो लेकिन द क्वेश्चन इज कि अभी आपको ये सिस्टम जो है रीस्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज रजिस्ट्री में जब भी आप कोई भी चेंजेस करते हो और वो चेंजेस नेक्स्ट टाइम इफेक्ट में आए उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ता है ठीक है तो ये लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है सिंस द सॉफ्टवेयर इज नॉट वर्किंग बट बैकएंड पे सॉफ्टवेयर भी यही करता है राइट प्रोटेक्ट करने से क्या होगा राइट प्रोटेक्ट करने का मैं आपको एक जैसे मैंने अभी अपनी पेनड्राइव निकाली और दोबारा इंसर्ट की तो जब आप सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे ना तो यहाँ पे आप कुछ भी जैसे यहाँ पे अभी शो मोर ऑप्शंस सी यहाँ पे कुछ पेस्ट का ऑप्शन क्या हो गया डिसेबल्ड है न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है आई थिंक दैट इज ऑल्सो नॉट देयर नहीं तो मतलब पेन ड्राइव को निकाल के दोबारा डालोगे तब भी ये हो रहा है व्हाट वी कैन डू इज सपोज ये कॉपी कर लिया ये फाइल आई एम गोइंग टू माय पेन ड्राइव आई एम पेस्टिंग इट हियर ठीक है तो वो अपने आप कह रहा है दैट दिस डिस्क इज राइट प्रोटेक्टेड तो विदाउट रीस्टार्ट इट इज हैपनिंग इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम तो बस आपने पेन ड्राइव को एक बार निकाल के दोबारा डालना है मैंने अपनी रजिस्ट्री के अंदर ही चेंजेस किया अभी आपके सामने ठीक है वो और स्टेप्स क्या है वो उस वेबसाइट पे सारे गिवन है तो इसका फायदा क्या होगा सपोज कि आपने इस पेन ड्राइव को राइट प्रोटेक्ट किया आपने सिस्टम में राइट प्रोटेक्शन लगाया क्या होगा इससे कि आप जो आपकी पेन ड्राइव है इसके अंदर अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हो ठीक है सपोज आई हैव चेंज्ड द फाइल आई एम कंट्रोलिंग एस कंट्रोल एस करके सेम पेन ड्राइव पे अगर मैं इसको सेव करती हूँ वो मुझे नहीं करने देगा वो किसी और जगह पे वो कह रहा है किसी और पाथ पे सेव करो यानी कि इन जो ये ऑलरेडी फाइल्स आपकी पेन ड्राइव के अंदर हैं इसका मेटा डेटा इन फाइल्स को कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकता ठीक है इसके दो फायदे होंगे अगर आपने अपने ऑफिस के सिस्टम में इसको डाला है राइट प्रोटेक्शन को इनेबल किया हुआ है इसका फायदा ये होगा कि आपके सिस्टम से कोई पेन ड्राइव में नहीं लेके जा सकता पहला फायदा ये है दूसरा फायदा ये है कि ये पर इसके अंदर कुछ नहीं आ सकता लेकिन अगर पेन ड्राइव से कॉपी करके कोई डेस्कटॉप पे डालता है सो दिस इज पॉसिबल सो मेक श्योर यू आर ब्लॉकिंग द यूएसबी यूएसबी को राइट ब्लॉक कर रहे हो आप रीड बिल्कुल कर सकते हैं यूएसबी को कर सकते हैं ड्राइव को कर सकते हैं आपकी जो पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव थी उनके ऊपर भी लग सकता है बट ये वाला पर्टिकुलर जो स्टोरेज डिवाइस पॉलिसीज है इसके अंदर आपने जो बनाया है वो इसके अंदर आप कार्ड लगाओगे तब भी बिकॉज वहां तो हमने यूएसबी नहीं ना बताया वहां पे तो आपका स्टोरेज डिवाइस पॉलिसीज में सिर्फ राइट प्रोटेक्ट है
दो स्कैन भी डन होता है, वो भी करेगा. हाँ मतलब अपने आप यहाँ पे हार्ड डिस्क लगा दी यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो राइट प्रोटेक्टेड, क्योंकि वो भी तो यूएसबी से ही लग रही है. लेकिन ये जो है मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, दिस इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड राइट प्रोटेक्शन. ठीक है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है जो थोड़ी सी मतलब नहीं मतलब आई वुड से इज फास्ट है. राइट, सॉफ्टवेयर बेस्ड राइट प्रोटेक्शन इज फास्ट, बट ज्यादा सिक्योर आई वुड से इज द हार्डवेयर बेस्ड राइट प्रोटेक्शन. कहीं कहीं पे आपने ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट ऑफिस में देखा होगा कि वो तो पोर्ट बंद ही कर देते हैं, बट हार्डवेयर बेस्ड राइट प्रोटेक्शन टूल्स भी आते हैं जिसके अंदर आप, क्योंकि जो कोर्ट में है, जो लीगल बॉडीज हैं या जो फोरेंसिक बॉडीज हैं, वहां पे आपको हार्डवेयर बेस्ड राइट प्रोटेक्शन टूल्स मिलेंगे उसके अंदर, जिसमें बार बार एक्सेस करने पे भी जो उसका मेटा डेटा है वो स्पॉइल नहीं होता. राइट, अब बात कर लेते हैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टूल की, जिसका नाम है वेराक्रिप्ट. अब आपने एडवर्ड स्नोडेन का जो बहुत पहले एक केस हुआ था डेटा लीक के बारे में, उसके बारे में अगर किसी ने नहीं सुना है, सो वेराक्रिप्ट इज करंटली रनिंग. लेट मी सी इफ वेराक्रिप्ट, इसमें एक फोल्डर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट प्रोटेक्ट किया मतलब उसके लिए कुछ अलग? नहीं नहीं सर, ये यूएसबी के लिए है. अगर फोल्डर को प्रोटेक्ट करना है उसके लिए मैं आपको एक वेराक्रिप्ट सॉफ्टवेयर बता रही हूँ जस्ट अभी. हाँ जी, सिस्टम के थ्रू अपन ने किया है रजिस्ट्री का. हाँ जी सर, मैं सुन रही हूँ. स्पेंडर को दूसरे सिस्टम में लगा के करें तो हो सकता है? आपने इस सिस्टम पे राइट प्रोटेक्शन लगाया, पेन ड्राइव यहाँ से निकाल के दूसरे सिस्टम में लगाया, फिर वापस उस पेन ड्राइव पे एक्सेस कर रहे हैं, मतलब उसको जो भी अपडेट कर रहे हैं. हाँ जी, उधर आप एक्सेस कर सकते हो, उसमें चेंज कर सकते हो दूसरे सिस्टम में. रजिस्ट्री तो इसकी चेंज हुई है ना सर, इसमें लाके इसका डेटा इस पेन ड्राइव में नहीं लेके जा सकते. तो ऑफिस के सिस्टम में आप यही उसका ये ले सकते हो कि कभी स्टूडेंट्स हैं या कोई कॉलीग्स हैं कि आपके सिस्टम से कोई डेटा पेन ड्राइव में ना जाए, तो आप अपने सिस्टम की रजिस्ट्री को चेंज करके उस पर राइट प्रोटेक्शन लगा सकते हो. तो जो ये वेराक्रिप्ट है, यहाँ पे सर ने यहाँ पे पूछा है कि फोल्डर को अगर प्रोटेक्ट करना हो, आपका डेटा अगर सिस्टम के अंदर पड़ा और वो खुला पड़ा है, तो उसको एनक्रिप्शन कैसे करनी है. तो ये वेराक्रिप्ट बहुत एक इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है. बेसिकली इसका जो पुराना अल्टरनेटिव था ना, वो ट्रूक्रिप्ट था. ठीक है, तो ट्रूक्रिप्ट के बारे में अगर किसी ने नहीं सुना, तो इट वॉज बेसिकली जब एडवर्ड स्नोडन ने कहा था कि डेटा लीक हो रहा है, तो उसके अंदर ट्रूक्रिप्ट जो सॉफ्टवेयर था उसी में वल्नरेबिलिटीज मिली थी. उसी के अंदर जो अटैकर्स थे, दे ट्राई टू दे गॉट द एक्सेस टू द डेटा. तो उसके बाद ओपन सोर्स कम्युनिटी केम अप विद दिस वेरी इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर वेराक्रिप्ट. इसका फायदा क्या है, पहले थोड़ा सा डेमो सुन लो, उसके बाद फिर मैं बता दूंगी कि इसका फायदा क्या है. बेसिकली इसके अंदर आप किसी भी चीज को ना एक माउंटिंग फाइल बना सकते हो. अब क्वेश्चन ये है कि माउंटिंग के बारे में सबको नहीं पता. माउंटिंग बेसिकली क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ ड्राइव को आप एक्सेस कर सकते हो, उसको माउंटिंग कहा जाता है. जब भी आप शुरू शुरू में कंप्यूटर में विंडोज डालते हो, तो आप कुछ ड्राइव्स बताते हो कि आई वांट टू ड्राइव्स या थ्री ड्राइव्स, तो उन ड्राइव्स को माउंट किया जाता है. ठीक है, नॉन टेक्निकल पार्टिसिपेंट्स, माउंटिंग मींस कि आप किस तरीके से उस ड्राइव को एक्सेस कर सकते हो. जैसे इस सिस्टम में अगर आप देखते हो, दिस पीसी आई हैव दीज ड्राइव्स माउंटेड. माउंटेड का मतलब यह है कि अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी, ये तो मेरी यूएसबी ड्राइव है, मैं इनको एक्सेस कर सकती हूँ, है ना. सो टू मेक देम एक्सेसिबल, इन ड्राइव्स को माउंट किया गया और इनको इतने इतने साइज का बनाया गया है. वेराक्रिप्ट बेसिकली क्या कहता है कि अभी मैं आपको पहले इसका डेमो देती हूँ. सपोज मैंने किसी भी फाइल को अपनी की फाइल बनाना है. लेट्स से मैं अपनी पेन ड्राइव में जाती हूँ, यहाँ पे ये मेरी पावर पॉइंट की फाइल है, ठीक है, साइबर एसटीसी. ठीक है, इसको फाइल को सिलेक्ट किया और ये ए बी, देखो यहाँ पे जो ड्राइव के नाम आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, ए बी जी एच आई जे के. ठीक है, सी डी ई और एफ नहीं है यहाँ पे, बिकॉज वो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी माउंटेड है, तो मैं उस सेम अल्फाबेट से माउंट नहीं कर सकती. ठीक है, एक बार पहले डेमो समझ लो फिर बताती हूँ. सपोज ए के साथ मैंने इस फाइल को माउंट किया, ठीक है, वो क्या कह रहा है यहाँ पे, पासवर्ड मांग रहा है. तो यानी कि इसके अंदर मैं ड्राइव क्रिएट करूंगी, एनक्रिप्टेड ड्राइव. ठीक है, वेराक्रिप्ट टूल के साथ मैं एनक्रिप्टेड ड्राइव क्रिएट करूंगी. उस ड्राइव के अंदर आप फोल्डर भी रख सकते हो, जैसे आप पूछ रहे थे, फाइल भी रख सकते हो, उसके अंदर आप दूसरी ड्राइव भी रख सकते हो. तो करना कैसे है मैं आपको बताती हूँ. अब सपोज यू वांट टू क्रिएट अ ड्राइव, सो सेलेक्ट अ फाइल. क्रिएट वॉल्यूम. ठीक है, इसका भी जो ट्यूटोरियल है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है. क्रिएट एन एनक्रिप्टेड फाइल कंटेनर, encrypt a non-system partition या drive, या पूरे के पूरे system drive को आप encrypt करना चाहते हो. सबसे basic, सबसे आसान है कि आप एक file container के साथ शुरू करो. File container का मतलब यह है कि suppose एक बर्तन के अंदर आपने कुछ material डाल दिया है, तो वो जब बर्तन आपको कोई देता है, कोई steel का बर्तन है, तो उसके अंदर क्या है वो आपको नजर नहीं आता. तो file container पहले हम बनाएंगे, उसके अंदर फिर हम अपना data डालेंगे. ठीक है, standard वेराक्रिप्ट वॉल्यूम हमने बनाना है यहाँ पे. वॉल्यूम लोकेशन
ठीक है, वॉल्यूम आपकी कहाँ पे होगी? सपोज मैं अपनी पेन ड्राइव में ही एक सिक्योर लोकेशन बनाना चाहती हूँ. यू कांट सेव टू एफ, ओके वहीं पे मेरी फाइल है, एक सेकेंड. A VeraCrypt volume can reside in a file. So you want to select a file. It will rewrite this actually. इसको ले लेते हैं notepad file को. Cannot see. अच्छा इस पे write protection लगाया हुआ है. Correct, correct. So इस पे write protection है. Maybe हम दूसरी drive पे जाके कोई और file ले लेते हैं. एक file यहाँ create कर लेते हैं फटाफट से, because otherwise दूसरी file. Let's say it's VeraCrypt. अभी ये नाम दे देते हैं, but you should not give this name. उस पर राइट प्रोटेक्शन लगा हुआ है ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, इसलिए वहां पे नहीं कर पा रहे हम न्यू फाइल क्रिएट. सो नेक्स्ट, एनक्रिप्शन हैश एल्गोरिथम्स क्या यूज होंगे? ये यहाँ पे गिवन है, AES, ओपन टू फिश. तो जिनको नहीं पता इन एल्गोरिथम्स के बारे में, ये एक तरीके के लॉक्स हैं. कितना अच्छा लॉक आप यूज कर रहे हो, ठीक है. हैश एल्गोरिथम्स भी उसी के कॉम्प्लीमेंट्री कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं कंप्यूटर साइंस में, जिससे आप द क्वालिटी ऑफ लॉक डिसाइड करते हो, कितना अच्छा लॉक लगा रहे हो. सो वॉल्यूम साइज, अब बेसिकली आप अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वॉल्यूम के अंदर, जो ई ड्राइव थी, ई के अंदर ही मैंने अपना कंटेनर चूज किया. पीछे जो फाइल बनाई veracrypt.txt, जो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे जो मेरा ई ड्राइव था, ये मेरा veracrypt.txt है ना, ठीक है. veracrypt के अंदर ये मुझे कह रहा है अवेलेबल साइज कितना है, 387 GB है. तो लेट्स से मैं 100, मतलब बर्तन, लेमन टर्म्स में बर्तन कितना बड़ा ले रही हूँ. सपोज मैंने 100 MB का बर्तन ले लिया एंड पासवर्ड सेट किया, ठीक है. पासवर्ड इज अ वेरी वीक पासवर्ड, दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस. बड़ा पासवर्ड आप रख सकते हो कि ये उस वॉल्यूम पे पासवर्ड क्या रखना है. इट्स अ शॉर्ट पासवर्ड, इट इज सेइंग. उसके बाद आपको कम से कम 30 सेकंड्स के लिए ना इस तरीके से इसी विंडो के अंदर इसको मूव करना है. और आप देख सकते हो जो रैंडम टूल में जो हेक्स वैल्यूज हैं वो चेंज कर रही हैं. जितना ज्यादा आप इसको मूव करोगे उससे ज्यादा रैंडमाइजेशन आएगी. जितना ज्यादा रैंडमाइजेशन आएगी उतनी स्ट्रांग आपकी की होगी, ठीक है, उतनी स्ट्रांग आपकी इनक्रिप्शन होगी. उसके बाद आप इसको फॉर्मेट कर दो. अगर अभी कुछ भी समझ में नहीं आया नॉन पार्टिसिपेंट्स को, वो भी कोई दिक्कत नहीं. एक बार आप देख लो कि इसमें होता क्या, कैसे ये हिडन वॉल्यूम क्रिएट होती है. राइट, क्रिएट हो गई वॉल्यूम, कैंसिल. अब नाउ यू गो टू दिस पीसी. अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ड्राइव है नहीं वो, राइट. नाउ आई गो टू सिलेक्ट अ फाइल व्हिच इज विद इन ई. मेरा कंटेनर कहाँ पे से मैंने सिलेक्ट किया था, पेन ड्राइव से नहीं किया, बिकॉज वो राइट प्रोटेक्टेड है. ये मेरी कंटेनर फाइल है, तो veracrypt को मुझे ये कंटेनर फाइल देनी है, ठीक है. उसके बाद उसको मुझे माउंट करना है. आई माउंट, इट इज आस्किंग फॉर दी पासवर्ड. तो जो पासवर्ड मैंने पीछे सिलेक्ट सेट किया था उसको ओके करके, नाउ अब आप ध्यान से देखिएगा, दिस पीसी में जो ए ड्राइव है वो माउंट हो जाएगी. एक बार ये उसको चेक कर ले दैट द पासवर्ड इज करेक्ट. कितने कितने साइज का कंटेनर मैंने बनाया था अभी? सिर्फ 100 MB का बनाया था, ठीक है. अब देख, यहाँ पे आप देख लीजिए, दिस पीसी में आई हैव दिस माउंटेड ड्राइव, ठीक है. इसके अंदर सपोज अब मैं अपना कोई सीक्रेट डेटा रखना चाहती हूँ, ठीक है. एज्यूमिंग अब मैं पेन ड्राइव से कॉपी तो कर ही सकती हूँ, एज्यूमिंग आई जस्ट कॉपी समथिंग, कॉपी एंड आई गो टू दैट माउंटेड ड्राइव एंड आई पेस्ट इट हियर, ठीक है. ये मेरा सीक्रेट डेटा है, मैंने यहाँ पे इनक्रिप्ट करके रख लिया veracrypt से. अब मैं क्या करूंगी, दोबारा दिस पीसी पे आऊंगी, veracrypt पे जाऊंगी, माउंट कर रखा है, अब क्या करना है, डिसमाउंट करना है. तो अब मैं डिसमाउंट कर दूंगी, तो अब वो जो ड्राइव है दैट इज हिडन, ठीक है, उसके अंदर. बट दिक्कत ये है कि अब क्वेश्चन ये आएगा कि जो veracrypt की जो आपकी कंटेनर फाइल है ना, उस कंटेनर फाइल से भी अगर आप देखेंगे तो जो लेमैन या इवन एडवांस्ड इसको भी अगर आप खोल के देखते हो, ये आपकी कंटेनर फाइल है. ये यहाँ पे बहुत एक रैंडम कैरेक्टर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे. तो किसी को इस फाइल को देख के ये नहीं पता चलेगा कि ये आपकी veracrypt की कंटेनर फाइल है. और वो कंटेनर फाइल आप veracrypt के साथ माउंट करके उसके उसको एज अ ड्राइव की तरह यूज करके उसके अंदर आप डेटा भी डाल सकते हो, ठीक है. सो दिस इज अ एनक्रिप्शन टूल, फ्रीली अवेलेबल बट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टूल विच इज कॉल्ड veracrypt. ये तो आपको वेबसाइट से भी डाउनलोडेबल होगा, अदरवाइज आई शेयर द exe ऑल्सो. So this is the demonstration of veracrypt. मतलब अगर आपको दोबारा से उसको ड्राइव को एक्सेस करना है, दोबारा बता देती हूँ क्या स्टेप्स हैं. कंटेनर फाइल अपने साथ भी आप रख सकते हो, कंटेनर फाइल को आप अपनी पेन ड्राइव में भी रख सकते हो. अभी तो राइट प्रोटेक्शन लगी हुई है तो इसलिए नहीं हो रहा. राइट प्रोटेक्शन हटा देते हैं तब तक, फॉर द टाइम बिंग. विंडोज आर, यू गो टू रजिस्ट्री एडिट. अब सपोज आपको वो चेंज भी करना है तो वो भी तो पता होना चाहिए ना, राइट प्रोटेक्शन हटानी कैसे है. राइट प्रोटेक्ट में जाओ, उसको बस जीरो कर दो, ठीक है. जीरो मीन्स फॉल्स, वन मीन्स ट्रू, एंड यू क्लोज इट, टेक इट आउट, put it in again. अब देख लेते हैं, अब यहाँ पे जब हम पेन ड्राइव में आएंगे, go to my pen drive, क्या यहाँ पे अब न्यू वाला ऑप्शन आ रहा है? अब आ रहा है ना. जब पहले हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया था तो आई वॉज नॉट एबल टू राइट पेस्ट एनीथिंग इन टू द पेन ड्राइव. तो अब मैं इसके अंदर लिख सकती हूँ. तो जो मेरा कंटेनर फाइल है, नाउ वट आई कैन डू इज आई कैन ब्रिंग माई कंटेनर फाइल, कॉपी इट एंड आई कैन टेक इट टू माई
पेन ड्राइव ऑल्सो. ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ये जो कंटेनर फाइल है अप्रोक्सीमेटली 100 MB का जो हमारा कंटेनर था उतना ही यहाँ पे पेस्ट होगा. तो आप अपना कंटेनर अपने साथ लेके घूम सकते हो, उस कंटेनर को कभी भी, अब मैं आई विल जस्ट शो यू वेराक्रिप्ट में जाके, कभी भी उसको यूज करके, पासवर्ड को यूज करके उसको माउंट कर सकते हो. ठीक है, अब मैं पेन ड्राइव से उठाऊंगी अपना कंटेनर फाइल. वेराक्रिप्ट ओपन. ठीक है, माउंट. दिस इज अ वीक पासवर्ड बट मेक श्योर यू पुट इन अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. इसका इसमें एक और, अगर किसी को समझ आ गया तो इसमें एक और फायदा भी है, इसमें हिडन ड्राइव्स भी आप क्रिएट कर सकते हो, यानी बर्तन के अंदर आप बर्तन रख सकते हो. इसका फायदा ये है कि इसको टेक्निकली बोला जाता है डिनाइबल प्लॉजिबिलिटी. बेसिकली होता है, सपोज कल को आपको बहुत ज्यादा फोर्स किया जा रहा है या गन पॉइंट पे कहा जा रहा है, जस्ट टेल अस, किसी को पता चल गया कि यू हैव दिस वेराक्रिप्ट ड्राइव एनक्रिप्टेड ड्राइव, तो गन पॉइंट पे आपको कहा जाए पासवर्ड दो. तो बेसिकली आप उस ड्राइव के अंदर भी एक हिडन ड्राइव क्रिएट कर सकते हो. अगर आप फर्स्ट वाली ड्राइव का पासवर्ड दोगे तो जो आप बताना चाहते हो वो आएगा. जो हिडन ड्राइव है, जो उसके अंदर एक और बर्तन है, इट्स लाइक अ सीक्रेट वॉल्ट काइंड ऑफ, तो उसकी चाबी सिर्फ आपके पास ही है. तो अगर आप माउंट करते हुए हिडन ड्राइव का पासवर्ड दोगे तो हिडन ड्राइव के कंटेंट्स आएंगे, अगर आप फर्स्ट ड्राइव का आउटर वॉल्यूम का दोगे तो आउटर वॉल्यूम के कंटेंट्स आएंगे. ठीक है, तो ये पर वही लोग करें जिनको पहले ये बेसिक समझ में आ गया. ठीक है, इसका मैनुअल सारा अवेलेबल है वेराक्रिप्ट का. So now you can go to this A drive. Can you see? I have this file now. So this is available. ठीक है, जब आप वेराक्रिप्ट में न्यू वॉल्यूम क्रिएट करोगे ना, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे होती है. यहाँ पे एनक्रिप्टेड फाइल कंटेनर में ये रहा, जो मैं हिडन वेराक्रिप्ट वॉल्यूम की बात कर रही हूँ. मैंने अभी स्टैंडर्ड क्रिएट की थी, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ हिडन वेराक्रिप्ट वॉल्यूम. ठीक है, इसको मैंने जैसे बात किया प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, मतलब कि जब आप एक्सटॉर्शन है या कुछ भी है जिसमें आपको फोर्स किया जा रहा है, पासवर्ड बताओ, हमें पता लग गया कि ये वेराक्रिप्ट का कंटेनर है, तो आप उसमें दो पासवर्ड सेट करो, हिडन का अलग, बाहर वाली का अलग. तो जब मैं हिडन पे जाती हूँ ना, नॉर्मल मोड में जब आप क्रिएट करते हो इसको, लेट्स जस्ट एक डेमो आपको दे ही देते हैं, अनदर 5 मिनट्स आई विल जस्ट टेक. इस कोई भी फाइल आपकी कंटेनर फाइल हो सकती है. अब क्वेश्चन ये है कि हमने ये न्यू टेक्स्ट फाइल बनाई, अगर मैं एग्जिस्टिंग फाइल को कंटेनर फाइल बनाना चाहती हूँ ना, तो वो मेरी डिलीट हो जाएगी पिछली. ठीक है, एग्जिस्टिंग फाइल को आप बनाना चाहते हो तो द प्रीवियस कंटेंट्स विल बी डिलीटेड. अब ये क्या आ गया यहाँ पे, आउटर वॉल्यूम. तो जो भी अब आप बनाओगे वो आपकी आउटर वॉल्यूम के हिसाब से सेट होगा. द फाइल साइज इज अज्यूमिंग, लेट्स से एक 50 MB का मैं आउटर वॉल्यूम बना रही हूँ. इसका पासवर्ड मैंने 123 दे रही हूँ अभी, वेरी वीक पासवर्ड, बट लेट्स से जस्ट डेमो के लिए अभी दे देते ताकि जल्दी क्रिएट हो जाए. अगेन रैंडम मूवमेंट करना है, फॉर्मेट कर दो. जल्दी कर दिया मैंने, बट इतनी जल्दी नहीं करना. तो आउटर वॉल्यूम फॉर्मेट होगी 25 MB की. अब इसके अंदर हम हिडन डालेंगे, हिडन वॉल्यूम बनाएंगे. तो जो आपका बहुत सीक्रेट सेंसिटिव डेटा है वो आप हिडन वॉल्यूम में रख सकते हो. राइट, तो दिस इज द आउटर वॉल्यूम. ठीक है, नेक्स्ट, इसका पासवर्ड हमने 123 रखा है, याद रखना जब हम डेमो करेंगे. हिडन वॉल्यूम पे आ गए अब हम. ठीक है, हिडन वॉल्यूम में भी अगेन द एल्गोरिथम्स. Now can you see the maximum possible hidden volume size for this is 49.28, है ना? क्योंकि I think मैंने 50 रखा था, फिर शायद outer volume मैंने 50 रखा था, तो अंदर की volume मैं इतने ही size की बना सकती हूँ. तो let's say 30 MB I'm just taking. ठीक है, इसका password मैंने क्या रख दिया, 12345, correct? Again the randomization format. Right. So, exit. अब suppose I select a file. What was that file? That was from my pen drive. ठीक है, it was the existing file, text file. इसको मैंने container बनाया आपकी बारी. इसको मैं L से mount कर लेती हूँ. ठीक है, अब mount करते हुए if I give the password as 123, my outer volume will be mounted. If I give the password as 12345, तो वो 30 MB वाली drive ही mount होएगी. ठीक है, so this is called plausible deniability. तो आप अंदर की drive है कि नहीं है वो किसी को भी नहीं पता चलेगा. ठीक है, अभी ये माउंट हो रही है. इन द मीन टाइम अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी. किसी को कुछ समझ नहीं आया तो आप ये दोनों जो राइट ब्लॉकिंग है और वेराक्रिप्ट है इसको आप गूगल भी कर सकते हो. ये दीज आर नॉट फ्री एंड ओपन सोर्स टूल्स हैं. राइट ब्लॉक तो आई वुड से कि आप रजिस्ट्री से भी कर सकते हो, राइट ब्लॉकिंग के लिए आपको जरूरत नहीं है. जैसे व्यू में ऑप्शन आता है ना, वो हिडन फोल्डर्स एंड फाइल्स अपन देख सकते हैं, तो उसमें भी लिखेगी. नहीं सर, ये तो माउंट कर रहे हो ना आप. अभी जो आपकी कंटेनर फाइल है, कंटेनर फाइल 100 MB की है. सपोज कोई एथिकल हैकर है जिसको बड़ी नॉलेज है, उसको ये लग सकता है कि हो सकता है कि ये एक कंटेनर फाइल हो किसी इस तरीके के एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर की, तो वो इसको माउंट करेगा ज्यादा से ज्यादा. तो जब वो माउंट करेगा आपको पूछता है पासवर्ड दो, तो आप आउटर वॉल्यूम का दे दो पासवर्ड.
अंदर वॉल्यूम है वो सिर्फ आपको पता है। जैसे सर अभी मैंने माउंट किया 1, 2, 3, तो मेरे पास ये कौन सी मैंने आई थिंक एल से किया था, ये 50 MB की आउटर वॉल्यूम माउंट हो गई ना, अंदर इसके अंदर एक और वॉल्यूम है वो किसी को नहीं पता। तो सपोज मैं इसको डिसमाउंट करती हूँ और फिर से सेम फाइल के साथ माउंट करती हूँ, लेकिन अब की बार मैं पासवर्ड दूंगी 1, 2, 3, 4, 5, आई विल जस्ट डिस्प्ले द पासवर्ड। ठीक है, ये पासवर्ड मैंने किसका रखा था, हिडन वाली का। तो अब जो माउंट होगी वो मेरी 30 MB वाली ड्राइव माउंट हो जाएगी, तो वो किसी को नहीं पता होता सर कि अंदर भी आपने कोई वॉल्यूम रखा है। एनी क्वेश्चन ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, जब तक ये माउंट हो रही है, बिकॉज वी विल बी प्रोसीडिंग विद द वैलिडेक्शन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई फीडबैक सजेशन है इस सेशन के लिए, यू कैन ऑलवेज टेल, राइट? एनीवन? सो जस्ट गिव अस 5 मिनट्स, इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, तो वील बी स्टार्टिंग विद द वैलिडिक्शन जस्ट नाउ इन अ शॉर्ट वाइल। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर खन्ना। सो नाउ द लास्ट डेमो, नाउ इफ यू सी दिस एल माउंटिंग, दिस इज द 30 29.7 इज द अवेलेबल दिस थिंग साइज अवेलेबल। ठीक है, तो कंटेनर को बस आपने प्रोटेक्ट करके रखना है। ये देखो, ये कंटेनर अब खुल गई है, तो ये कुछ रैंडम कैरेक्टर्स होंगे, तो इससे मतलब कोई भी फाइल कंटेनर फाइल हो सकती है। आपकी पीपीटी फाइल, अभी मैं टेक्स्ट फाइल्स को यूज करके बनाया, आपकी पीपीटी फाइल, पीडीएफ फाइल, कोई भी फाइल, इट कैन बी अ कंटेनर फाइल, राइट? आई जस्ट गो अहेड एंड डिसमाउंट ऑल द ए ड्राइव एज वेल एज द एल ड्राइव। सो थैंक यू सो मच एवरी वन, ऑफलाइन पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो एज वेल एज ऑनलाइन, फॉर बींग patient listeners. So we'll just go ahead with the valediction in another 5 minutes. Thank you.